वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्त च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। तमादि देवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जंग प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो नेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा के बोला बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हर बार जोर से बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधु भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे घर घर में जा जा करके प्रभु मक्खन चोरी करते थे और मक्खन चोरी उद्देश्य को बना करके भगवान सभी ब्रजवासियों का जो मन है वो अपना चरण में डुबो करके रखे थे। एक दिन मैया जसोदा सोच रही है मेरे लाला क्या सचमुच से घर घर में मक्खन चोरी करता है, लगता है मेरे घर का साथ मक्खन खट्टा होता होगा और दूसरे गोपियों को घर का मक्खन मीठा होता होगा, इसलिए कृष्ण दूसरे घर में मक्खन चोरी करता है, मैं आज अपना घर में ही स्वयं मक्खन बनाऊंगी। इसलिए मैया एकदम सबरे सबर उठ गई, उठ करके हाथों में मंथन कर रही थी और मुंह में कृष्ण का नाम ले रही थी। इसलिए हमारे यहाँ टीकाकार कहते ही हम कहते हैं ना हमारा पास में भजन करने का समय कहाँ है। मैया शिक्षा देती है समय को अलग लिखाने का जरूरत नहीं, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर का सेवा मान कर और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप किया प्रभात भजन हो गया। भजन कोई बड़ी भारी कठिन चीज नहीं है, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी का नाम भज यही तो भजन हो गया। जो कर ठाकुर का सेवा भाव से और भगवान का नाम ले लो बस भक्ति हो गया। जब दधि मंथन कर रही थी कृष्ण सेवा हाथों में और भगवान का नाम इसका फल क्या है, बोले भगवान का दर्शन है। इसलिए कभी नारद जी भगवान से पूछे बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, भगवान स्वयं कहते हैं बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय
च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद, दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। कोई कहते हैं मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, केवल मैं एक जगह पर रहता हूँ, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं मैं वहीं पर ही निवास करता हूँ। देखो मैया दधि मर रही थी, इतने में कृष्णा सो रहे थे। कृष्णा भी धीरे धीरे पलक से ऊपर उतरे और मैया को पीछे पकड़ करके बोले, मैया मेरे को दूध पिला दे। बोले लाला, तेरे को दूध भी पिला दूंगी, तेरे को मक्खन भी खिला दूंगी, लेकिन थोड़ी सी रुक जा, अभी दिन होगा तो फिर मक्खन नहीं मिलेगा। कृष्णा देखा मैया मेरे को दूध नहीं पिला रही है, जब तक इसकी काम को बंद नहीं कर दूं तब तक ये दूध नहीं पिलाएगी। कृष्णा सामने आए, जो रई थी वो रई को जोर से पकड़ ली। मैया ने देखा लाला तो बड़ा दिमागदार है, फिर उन्होंने गोद में बैठा करके उन्होंने कन्हैया को दूध पिला रहे थे। दूध पिलाते समय चूल्हे को ऊपर में मैया दूध को गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। अभी धीरे 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 वो दूध उफन उफन करके अभी आग में गिरने जा रहे थे। तब हमारे टीकाकर कहते हैं, ये दूध उफन करके आग में क्यों गिरने जा रहे थे? बोले कारण है, ये दूध सोच रहा है शायद और मैं कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले कृष्ण का पेट इतना बड़ा है, ये विश्व ब्रह्मांड जिनके पेट में समा जाएगा। कल सुन रहे थे ना, भगवान विराज हो दिखाया। बोले मैया के स्तन में कितने दूध है, जिसको हम खीर समुद्र कहते हैं, ये संपूर्ण खीर समुद्र जिनकी स्तन में समा जाए। इसका मतलब लगता है मैं शायद कृष्ण सेवा में नहीं लग पाऊंगा। अगर कृष्ण सेवा में अगर हम नहीं लग पाए, वो दूध सिखा देते हैं, ये जीवन रख करके कोई लाभ नहीं, ये जीवन को आग में ही विसर्जन कर देनी चाहिए। इसलिए वो उफन उफन करके आग में गिरने जा रहे थे। लेकिन मैया जसोदा, जसोदा का मतलब होता है जसम ददाति जह सहिव जसोदा, मतलब सबको जो जस देती है, सबको जो आदर देती है। मैया बोली, दूध उफन करके आग में नहीं गिरना, तेरे को भी मैं कृष्ण सेवा में लगाऊ, थोड़ी सी रुक जा, थोड़ी सी रुक जा। बोले कन्हैया थोड़ी सी गोद से उतर जा लाला। बोले आधा पेट भी नहीं भरा। बोले गोद से उतर जा। भर पेट पिला करके दूध फिर कहीं तू जा। मैया ने देखा यहाँ दूध भी उफन रहा है, यहाँ पूत भी उफन रहा है, दोनों ही उफन रहे हैं, अभी मेरे को क्या करना चाहिए? बोले मेरे स्तन में जो दूध तो है ही है लाला के लिए, लेकिन अगर ये दूध उफनते हुए आग में गिर जाते हैं तो बच्चे का अमंगल होता है, फिर उसमें मलाई नहीं बनेगी, फिर कन्हैया को फिर मक्खन कहाँ से खिलाऊंगी? पहले ये दूध हमें क्या करनी चाहिए? बोले लाला थोड़ी सी गोद से उतर जा लाला। बोले नहीं उतरूंगा, मेरे को भरपेट दूध पिला करके जा। मैया तो कन्हैया को पकड़कर जोर जबरदस्ती बैठा दी। बोले ही बैठो, अभी दूध रखा करके आता हूँ। अब देखना, बच्चे को जब क्रोध आए ना, सामने जो कुछ चीज हो फेंक मांग देता। बोले तू कितने दूध को बचाओगे? अभी मैं दिखाता हूँ। वो मटकी था, इतना बड़ा मटकी जिसमें दधि मंथन कर लेती, सोचा ये मटकी को ही मैं पलट दूं, लेकिन अभी उम्र 3 साल के पकड़ करके उसने जोर जोर से हिलाया, लेकिन उनसे किसी तरह से हिला ही नहीं। बोले क्या करूं, ये हिल नहीं रहा। पड़ा हुआ था एक पत्थर, और पत्थर को मैंने मटकी को मारते ही मटकी फूट गई और सारे दूध जो दही मट्ठा हो गया था सबके सब निकल रहा है। कन्हैया बड़े खुश हो गए, बड़ा खुश हो गया, मैंने आज मैंने ये मटकी को हमने फोड़ दी। फिर कृष्णा सोच रहे हैं, अगर मैया को पता चलेगा ना, डंडा एक नीचे नहीं सो पीठ को ऊपर पड़ेगा। फिर कृष्ण वहां से दूसरे घर में गए, फिर उखल को ऊपर में खड़े होकर के वहां से मक्खन निकाल निकाल कर कौए और बंदर को खिला रहे थे। बोले ये कौए बंदर को क्यों खिला रहे थे? बोले जो बंदर है ये हनुमान की वंशधर है। बोले रामलीला में तुम लोग ने अपना हाथों से जंगल से खा करके मेरे लिए तुम लोग ने बड़ा युद्ध किया है, अभी आओ कृष्ण अवतार में कम से कम मक्खन खिला देता हूँ। बोले ये कौए कौन है? बोले काक भुसुंड की वंशधर है, जो कौआ राम कथा नित्य निरंतर राम कथा को सुनाते रहता है।
बोले मेरी कथा सुनाता ना, मक्खन खाओ। इतने में मैया जब थोड़ी देर में आती है ना, देखी मटकी फूटी हुई, सारी छाछ निकल गया। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया, कितने ये दूध पी पी करके, कितने मक्खन पी पी करके ये मटकी कितने मजबूत हो गया था। क्योंकि पहले सिल्वर पीतल कुछ नहीं होता था, सब कुछ मिट्टी के पात्र होते थे। बोले कितने कष्ट से कितने मजबूत बन गया था, और तुमने ये मटकी को फोड़ दी। बोले इसको कुछ दंड मिलनी चाहिए। अब देखना, चोर जब चोरी करके जाता है ना, ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता है, इससे आगे इसको पकड़ लेता है। कृष्ण तक गए मटकी फोड़ करके, लेकिन उन्होंने कुछ चिन्ह भी रख करके। बोले क्या चिन्ह रखे? बोले प्यार में वो दही लगा हुआ था। जब कृष्ण धीरे धीरे चलते चलते गए, वो दही का धीरे 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 चिन्ह पढ़ते 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 गया था। इतने में मैया ने एक डंडे को उठाए और वो चरना चिन्हों को देख करके धीरे 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 उनको पीछा कर रहे थे। देखो यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं, क्या कृष्ण तो भगवान है, क्या उनको पता नहीं था ये चरण छाप को देख करके मैया मेरे को पकड़ लेगी? फिर उन्होंने चरण छाप क्यों छोड़े, उसके पीछे बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। ये उपनिषद कहता है, बोले न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहु न श्रुते न। ये उपनिषद कहता है वो जो भगवान है, बोले न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, कहते वो हम आत्म तत्व को प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बुद्धि पांडित्य विवेक वहां पर कुछ भी काम नहीं करता है। बोले कब कौन काम करता है? बोले जमे बैस बृणुते तेन लग्न, जब कोई निष्कपट रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाए, बोले सही जाने जा रहे देह जाना है। उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनवाते हैं, नहीं तो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी हम आगे सुनेंगे जिनकी माया को पहचान नहीं सकते। कल सुन रहे थे इंद्र भी जिसकी पहचान नहीं पाए जिसको है। इसलिए अभी मैया डंडे को लेकर के धीरे 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 चल रहा है। देखा फिर मक्खन को कौवा और बंदर को खिला रहे, मैया को तो बड़ा कष्ट मिला। बोले खुद खा कोई बात नहीं, इसको बर्बाद कर रहे हो, बोले इसको तो कुछ सजा देनी चाहिए। मैया जब पकड़ने जा रही थी, इतने में कृष्ण छलांग लगाए और मेन रोड में निकल गया। पहले माता ही घर से बाहर कोई नहीं निकला करते थे। कृष्ण को पता था मैं तो बच्चा निकल जाऊंगा, लेकिन मैया तो घर की स्त्री है, ये तो बाहर निकलेगी नहीं कभी हैं। लेकिन उसी दिन था दीपावली, सबके सब गए हुए थे दीपावली मनाने के लिए, कोई थे नहीं। मैया बोली कहाँ रह जाओगे तू? तो सोच रहे हो मैं घर का स्त्री बाहर नहीं निकलूंगी? आज कोई भी गाँव में पुरुष लोग नहीं, आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अभी कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछा कर रही। बोले किसको पीछा कर रही? इसलिए जिसको वेद कहता है वायु रथापि मनस मन पुंग बानम, कद जिनको बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञानी बड़े बड़े देवता लोग भी करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके जिनकी था नहीं पाते हैं, आज मैया उनको पकड़ने के लिए चाह रही है। वो कैसे पकड़ सकती है? कृष्ण तो 3 साल की थोड़ी तेजी से भाग रही थी, मैया थोड़ी थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी भागने लगी तो हाँपने लग गए। कृष्ण सोच रहे मैया को कब तक भगाऊंगा। कृष्ण बोले मैया, मैया कहती कन्या खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो और मारो फेंक करके। बोले मैया खड़े तो है जाऊंगो, लेकिन पहले ये डंडा फेंक, उसको बाद में खड़ा है जाऊंगो, मेरे को डर लग रहा है तू मारे नहीं। मैया ने कही तेरे को थोड़ी मेरी मारूंगी, तेरे को तभी मैं पूजा करूंगी। कभी कभी बच्चों का पूजा करते होंगे कैसे आपको पता होगा। इसलिए इतने में जा करके मैया कन्हैया को पकड़ लिए। जो पकड़ लिए बोले सच सच बताओ ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया मैंने मटकी थोड़ी फोड़ी है, जब तुम दूध रखा करने जा रही थी, पहले पहले माताएं प्यार में इतने इतने मोटे मोटे कड़ूले पहना करती थी। बोले तेजी से जब तुम भाग रही थी वो कड़ूले लग करके ये मटकी फूट गई, मैंने थोड़ी मटकी फोड़ी। मैया देखा देखो कितने दुष्ट है, मटकी खुद फोड़ कर गया था, मैंने मटकी फोड़ दी। बोले ये बताओ कि फिर ये बंदर कौवे को किसने खिलाए? बोले जिसने बनाया उसने खिलाए। हाँ
बोले तू बहुत बड़ा चोर हो गया है। लेकिन कृष्णा बचपन में उन्होंने सुना था उनके घर में एक मामा थे जिनका नाम था चोर गो। बोले मेरे घर में चोर है, मैं तो नंज राजा का बेटा हूँ, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे घर में कोई चोर नहीं। बोले पता नहीं कहाँ से कहाँ से बात सुनकर रहता। बोले तू तो बंदर का दोस्त हो। बोले मैया छोड़ दे, फिर जंगल में रहा करूँगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। इतने में मैया सोच रही है इतने कष्ट से एक लाला हमें मिला है, सचमुच से जंगल में चला गया तो देखना बच्चों का क्रोध जड़े जल्दी हो जाता है, फिर थोड़ी सी ठंडा हो जाता है थोड़ी देर बाद में। बोले थोड़ी समय के लिए मैं इसको बांध करके रख लेता हूँ। बोले तू खल और उदू खल, उदू खल जानते हो क्या क्या है? उदू खल क्या होता है, क्या होता है? हाँ, इसलिए पहले पहले कि मशीन फसीन कुछ नहीं होता था, एक लकड़ी के अंदर में एक गड्ढा सा होता था और उसमें गेहूँ चावल और एक होता था लकड़ी, और उसको मार मार करके सब कुछ उसी से ही काम होता था। इसलिए पहले माताएं इतने मोटी नहीं होती थी, इतने बीमार भी नहीं होती थी, क्योंकि सारे घर का काम हाथों से करना पड़ता था, हाथ से मसाला पीसना, हाथ से कपड़ा धुलाई करना। अभी जितना मशीन जितने साइंटिस्ट जितना एडवांस कर रहा है ना, अब एक तरफ में देखना साइंस तो एडवांस कर रहा है, अब सही सही विचार करके देखो भी वो एडवांस नहीं है। हमारे जो बड़े गुरुजी हुए कर जानते हो साइंस क्या एडवांस किया है? पहले डंडे डंडे से जब कोई युद्ध होता था देखना, डंडे डंडे से मारपीट होते थे, अभी एटम बम। अब तो न्यूज देखते होंगे हर देश, अभी हर देश को धमकी दे रहा है कि एटम बम फेंक देंगे तुम्हारे देश में, और सारे देश है ना एक देश पे इतने डरे हुए हैं जब ये एटम बम फेंक गया ना। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे ये एटम बम क्यों बन रहा है? हाँ देखो ध्यान देख रहे सुनो, ये एटम बम ये बुद्धि किसने दे रहा है एटम बम बनाने का? कृष्ण गीता में कहते हैं बोले ददामि बुद्धि युगम तम जनमाम उपजानते। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जितने बुद्धि हैं, ये जितने सारे बुद्धि विवेक देने वाले कौन है? कहते भगवान देने वाले, कृष्ण खुद कहते। बोले एटम बम भी बना देन बुद्धि देने वाले कौन है? ठाकुर भी है। कहते क्यों एटम बम बनाने के लिए क्यों बुद्धि दिया है? कृष्ण गीता में कहते हैं तब तक ये दुनिया को मैं रखूंगा जब तक मैं देखूंगा मेरे कोई भजन कर रहे हैं, जब देखूंगा कोई मेरी भक्ति नहीं कर रहे हैं फिर तो मैंने ये बुद्धि प्रदान करूंगा, एटम बम फेंको दुनिया को खत्म कर दूंगा। कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि तब तक ये दुनिया को मैं रखूंगा, क्यों मैंने दुनिया क्यों बनाई? भगवान कहते दुनिया हमने क्यों बनाई? दुनिया मेरी है, बनाया मेरा है, मेरा को द्वारा बनाया हुआ, जब तक देखूंगा ये जीव मेरी भक्ति कर रहे हैं भजन कर रहे हैं तभी ये दुनिया को मैं रखूंगा, नहीं तो दुनिया को नहीं रखूंगा। भगवान कहते हैं नहीं तो इनको बुद्धि दूंगा, ये मत समझो ये एटम बम को छुपा कर रखेंगे, नहीं। अब तो न्यूज पेपर देखते होंगे एक दूसरे को जोर जबर धमकी दे रहा है एटम बम फेंक दूंगा, एटम बम फेंक दूंगा। अब कितने फेंकेगा ही, वो एक दिन गिरेगा ही, पैसे बनाकर पूजा करने के लिए नहीं रख रहे। हाँ देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कौंतेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। ये कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो मेरे भजन करते हैं उनका विनाश नहीं, तो तुम प्रतिज्ञा करो। अर्जुन कहता है मैं क्यों करूं, तुम्हारी भक्त का विनाश नहीं होगा, तू करना, मेरे को क्यों कह रहे हैं? बोले मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा की है, लेकिन जब मेरे कोई भक्त प्रतिज्ञा करता है फिर मैं अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूँ, तोड़ करके मैं भक्त प्रतिज्ञा को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए यहाँ पर अगर हम प्रभु की भक्ति करेंगे ना, भगवान को भजन करोगे, भगवान खुद कहते हैं मैं भक्तों को विनाश होने नहीं देता हूँ। आप लोग महाभारत सुने होंगे, ये पांडव के मतलब पांच ही है, जब ये महाभारत युद्ध शुरू हुआ ना इतने में माता कुंती ने ये पांडवों को लेकर के आई, बोले कृष्ण ये पांच बेटे मैं आज तेरे शरण में दे रहा, आज से ये तुम्हारा बन गए, इसलिए तुम ही उनको रक्षा करना। कृष्ण कहते बुआ जी भले ही ये विश्व ब्रह्मांड में प्रलय हो जाए, भले ही विश्व ब्रह्मांड खत्म हो जाए, लेकिन तेरे पांच बेटों का एक बाल भी बका होने वाले नहीं,
इस तरफ में पांच पांडव, दूसरे तरफ में पितामह भीष्म, आप जानते हो। ये जब तक इच्छा नहीं करते ना तब तक इनका मृत्यु होने वाला नहीं है। और उसी समय सबसे बड़े योद्धा थे फिर गुरु द्रोणाचार्य है, ये साधारण नहीं, सबका गुरु है। कर्ण को आप जानते हो, साधारण वो भी नहीं। लेकिन देखो पंच पांडव पांच में पांच खाली रह गए और सबके सब खत्म हो गए। बोले क्यों? बोले ये पांच जो थे ये कृष्ण का शरण में आए गए, इसलिए भगवान ने इनके सबके सब भगवान ने इनको बचा दिया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम ठाकुर जी के शरण में अगर रहेंगे ना, भले ही सारा दुनिया सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन हमारे कुछ होने वाले नहीं है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। देखो आप लोग है ना थोड़ी इधर यहाँ के चक्कर बैठ जाओ, जो पीछे आएगा वो अपने आप बैठ जाएंगे। अब वहाँ क्यों बैठो, आप इधर बैठो, इधर इधर सबके सब इधर कर बैठ जाओ, सब पास में बैठ जाओ, यहाँ तक आकर बैठ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी मैया यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब बांधने के लिए कोशिश करती हैं उसमें दो उंगल कम पड़ रहा है। मैया बोले और एक रस्सी ले आओ, और एक रस्सी गांठ लगाए, देखा दो उंगल फिर कम पड़ गए। बोले और एक रस्सी ले आओ, फिर दो उंगल कम पड़ गए। कहते ब्रज का सारी रस्सी समाप्त हो गई लेकिन ये दो उंगल किसी तरह से पूरी नहीं पड़ रहा है। मैया तो थक गई सवेरे से लेकर के शाम तक, लेकिन मैया छोड़ नहीं रही है। कहते आज तो इसको मैं बांध करके ही रहूंगी, हैं बगैर बांधे इसको आज मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। जब मैया जसोदा एकदम परेशानी हो गई मैया जसोदा, इतने में उनके घर में जो ठाकुर जी थे सालग्राम थे, भले हे सालग्राम मैं सवेरे से लेकर के शाम तक हो गया लेकिन आज उसको मैं बांध नहीं पा रहे हैं, आज तो मेरे लाज रक्षा कर। जब इतना बोले कहते माता परिश्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने, कहते माँ की परिश्रम को देख करके भगवान बंधन ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कहते यहाँ पर ये दो उंगल क्यों कम पड़ता था, कहते तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं और पांच क्यों नहीं, ये दो उंगल ही क्यों बारंबार कम पड़ती थी, इसका रहस्य बताए। कहते जो पहला उंगल है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए पूरा जी जान लगा ले, बोले जब तक प्रभु को बांधने का मैं नहीं छोड़ूंगी बंदगी नहीं, कहते ये पहला अंगुल है। पर दूसरा अंगुल क्या, बोले भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा, जब ये दो चीज मिलेगी फिर जाकर के ये काम बनने वाली। इसलिए उसने दो उदाहरण दिया है, एक बंदर का और एक बिल्ली का। आप लोग बंदर देखे कि नहीं, देखे हो बंदर? अब देखना बंदर अपना बच्चे को कभी नहीं पकड़ता है, वो बच्चा देखना इसे पकड़ करके मैया को जोर पकड़ कर रखता है और उसको मैया यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ छलांग लगाती रहती है। अगर बीच में बंदर का बच्चा छोड़ कर ना मैया फिर नहीं पकड़ती, उसका एक नियम है। इसलिए वो बंदर का बच्चा जोर जबरदस्ती माँ को पकड़ कर रखती है। कहती ये एक उदाहरण दी। दूसरा उदाहरण दी बिल्ली, देखे हो देखना बिल्ली का जो बच्चा वो कुछ नहीं करता है, उसका माँ उसको मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ वहाँ दस दस बार वाक नियम करते रहे, वो ब्लक बिल्ली के बच्चा नहीं कुछ नहीं करता है। तब यहाँ पर इन्होंने दो उदाहरण दिया, देखो अच्छे तरह से चीज़ को समझ लो, बहुत अच्छी बात बताए। ये जो बंदर का उदाहरण दिया है, जब कोई साधो कोशिश करे मैं अपना चेष्टा से ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा, ये बंदर का उदाहरण। और बिल्ली का जो उदाहरण वो तो कहते ना अरे ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता है, हम क्या कर सकते हैं, जब तक ठाकुर को इच्छा नहीं होगा क्या होगा। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, कुछ सारा दुनिया के काम करेंगे लेकिन भजने की बात आएगा ना, बोले अरे उसकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता नहीं मिलता। ये दूसरे तरह का साधक है।
बोले ये वाल भी काम नहीं चलेगा, वो वाले भी काम नहीं चलेगा, ये दोनों कुछ भी काम नहीं हो सकता है। क्यों? अपना चेष्टा से हम प्रभु को पा भी नहीं सकते हैं और बिना चेष्टा में भी पा नहीं सकते। तो फिर क्या करो? फिर दो चीज को मिला लो, फिर तो काम मिल जाएगी। बोले कैसे? बोले साधन करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमें साधन की जरूरत है, लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए? बोले शरणागत जुड़ो। दिल्ली जैसे ठाकुर जी, हम तो आपको पाने के लिए कोशिश कर ही सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी कृपा नहीं होगा हमारा साधन भी फलीभूत होने वाला नहीं। आपकी कृपा से ही ये साधन हमारी फलीभूत होगी। इसलिए जब ये दो काम यहाँ हो गए ना, फिर कन्या बंध गए। भैया बोले तेरे पीछे सवेरे से शाम तक तेरे पीछे सारे समय मेरा चला गया, घर का सारे काम काम पड़ा हुआ है। इतने में भैया कृष्ण को वहीं पर छोड़ करके कुखल में बांध करके वो चली गई घर का काम काज करने के लिए। इतने में कृष्ण के सखा लोग आ गए। कृष्ण ने कहा सखाओं ये रस्सी को खोल दो, फिर हम खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन सखाओं ने कोशिश की लेकिन खोल नहीं पाए। बोले क्यों नहीं खोल पाए? कहते भगवान अनंत है, असीम है, जिसका बाहर भी नहीं जिसका भीतर भी नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर जो बंधे गए हैं ठाकुर जी प्रेम को द्वारा ही ठाकुर जी यहाँ पर बंधे पड़े हुए हैं। ये प्रेम को द्वारा प्रभु बंधे हैं। और जो बात्सल्य रस है, कहते ये बात्सल्य रस से नीचे ये सख्य रस है, इसलिए सखाओं ने कोशिश करते हुए भी कृष्ण को उन्हें खोल नहीं सके। इतने में कृष्ण सामने देखा जमलार्जुन वृक्ष है। ये पूर्व जन्म में ये कुबेर के दो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रह। एक दिन ये दोनों शराब पी करके और विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। नारद जी उधर से होते हुए जा रहे थे, लेकिन उनकी जो अप्सरिया तो कपड़ा पहन करके छुप गई, लेकिन ये दोनों ने नारद जी को बड़े क्रोध से आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। बोले बाबा तेरे कोई कांड ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं, इधर ही रास्ता मिल गया, रंग में भंग करने के लिए आ गए। नारद जी देखे कहां स्वर्ग के कुबेर के बच्चे और शराब पी करके विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे, अरे कोई साधु आ जाए तो आप फाड़ फाड़ कर देख रहे हो। बोले जाओ, जैसे वृक्ष नंगे रहते हैं ना, जा वृक्ष जो को प्राप्त कर। जब इतना बोले सारे नशा उतर गए, क्योंकि जो पेड़ का जन्म बड़ा कष्ट जीवन है, बारिश गर्मी सहन करना पड़ता है, पानी मांग नहीं सकते, छाती फाटने पर भी पेड़ को काट लेते हैं, टहनिया को काट देते हैं, बड़ा कष्ट जीवन है, सारे नशा उतर गए। संतों के चरण में गिर पड़े, नारद जी बड़े दयालु हुए, बोले ठीक है जाओ गोकुल में वृक्ष बन करके रहो, भगवान जब आएंगे तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी ये बात को बताए, अभी नारद जी की वाक्य रक्षा करना पड़ेगा। कृष्ण सखाओं को बोले काम करो, उखल को पीछे से धक्का मार। धक्का मारते 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 कृष्ण दोनों वृक्ष बीच बीच में होकर चले गए, उखल अटक गई। कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाया तो दोनों वृक्ष धड़ाम करके गिरे। जब धड़ाम करके गिरे, फिर वो दोनों नल कुबेर और मुनि की प्रणाम कर रहे और उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले हे प्रभु हमें आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा क्या आशीर्वाद चाहते हो? बोले जैसे आपका भक्तों को अगर देखू ना, ये सर जैसे अपने आप झूम जाए। भगवान बोले ऐसे क्यों वर मांग रहे हो? बोले इसी गलती से हमको ये वृक्ष बनना पड़ा था। नारद को देख करके अगर हम प्रणाम थोड़ी कर लेते, सम्मान कर लेते, फिर तो हमें ये वृक्ष जन में आना नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हारे भक्तों को देखते ही सर जैसे झोंक जाए। और ये आशीर्वाद तो ये जिह्वा से जैसे तुम्हारे नाम कीर्तन करते रहे। बोले क्यों? तब सुत गोस्वामी कहते हैं अगर ये जिह्वा से भगवान के नाम नहीं कीर्तन करेंगे, लेकिन दुनिया की बात को दिन भर बोलते रहते हैं, लेकिन अगर जिह्वा से प्रभु का कीर्तन नहीं करेंगे, तो उन्होंने उदाहरण दिया है। आप देखना जो मेढक है ना, देखना टट्टर टट्टर करता है बरसात का समय पर, और इसका काल होता है सर्प। ये सर्प देखना है, हमें अपना आहार ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, मेरा आहार स्वयं मेरे को भुला रहा है। फिर धीरे 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 वो सर्प आकर के वो मेढियों को निगल जाता है। यहाँ अगर कहते हैं अगर ये जुहा को पा करके हम भगवान के नाम कीर्तन नहीं करें और दुनिया की बात को दिन भर बैठ करके इधर उधर की बात करते रहे,
कहते जीवा नहीं कहते वो मेढक का जीवा है। बोले प्रभु इन्हीं दोनों कानों में जैसे तुम्हारी कथा सुनी है, बोले जिस जिन का कानों में हम भगवान की कथा नहीं सुनते कहते वो बील है। जैसे बील में जहरीले सर्प रहते हैं उसी तरह विषय रूपी सर्प केवल हमारी ये कान में निवास करते हैं। कहते हे प्रभु इन्हीं आंखों से जैसे आपका चित्रपट को आपका ठाकुर का दर्शन करें, अगर भगवान को दर्शन नहीं करें इधर उधर उल्टा पुल्टा पीली गंदी गंदी चीज को देखे, कहते भैया मोर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख बनी है, वो आंख से क्या होता है, वो आंख नहीं वो पांख है। कहते हे प्रभु जैसे आपने ये चरण दिया है, ये दोनों चरण से जैसे गिरिराज की परिक्रमा लगाए, तुम्हारे मंदिर की परिक्रमा लगाए, तुलसी की परिक्रमा लगाए, नहीं तो ये प्यार किया है। बोले ध्रुव जन्म भाजो, ध्रुव मतलब होता है वृक्ष है। कहते भगवान अगर इसी जीवन में परिक्रमा नहीं करेंगे कहते अगले जीवन में भगवान हम पेड़ जन्म देंगे। बोले एक जगह पर खड़े रहे ना वहीं पर खड़े रहो पेड़ बन करके। कहते ये हाथ ठाकुर ने किया दिया है, बोले सब करो बा कुहरु तपरजा हरे लसत कांचन कंकन होगा। कहते यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने की कंकन हमने धारण की लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं। बोले सब करो, ये जो दो हाथ नहीं कहते ये मरा हुआ हाथ है, पूर्वजों को पिंड देने पर भी ये हाथों से वो पिंड भी ग्रहण नहीं करते। बोले क्यों, बोले तुमने ये हाथों को ठाकुर को सेवा में तुमने नहीं लगाते, इसलिए नल कुबेर और मुनिगिरी भगवान को बोले ठाकुर जी हमें ये आशीर्वाद करो जैसे सारे इंद्रियों को हम ठाकुर जी की सेवा में लगा दें, उनको परिक्रमा करे और चले गए। जब चले गए जब दोनों वृक्ष बड़ी जोर से गिरे, बड़ी जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी वहां इकट्ठे हो गए। इतने में नंद बाबा आ गए, देखा कृष्ण दोनों वृक्षों को बीच में फंसे पड़े हुए, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाता है ना बस कृष्ण का राम नाम सत्य हो जाता है। नंद बाबा जल्दी जल्दी आए, रस्सी को खोल दिए, खोल करके बोले बांधा किसने, बोले माँ, बोले खोला किसने, बोले बाबा, बोले खो माँ माँ करते रहते हो, बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले अभी मैं बाबा बाबा मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती है। इतने में मैया आ गई, नंद बाबा तो बड़ी डांट लगाई, बोले एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कुछ नहीं, कितने तपस्या कितने कष्ट करके एक लाला मिला, एक दो मटकी फोड़े तो तुमने बांध दी, भगवान के आशीर्वाद है। ये दोनों वृक्ष गिरा तो दोनों तरफ से गिरा, थोड़ी सी अगर इधर उधर हो जाता लाला का खत्म हो जाता। ओ लगता है तेरे को ये मटकी और दूध दही में आसक्ति और ये लाला में आसक्ति नहीं, तो ये दूध दही को लेकर रहा कर मैं कृष्ण बलराम को लेकर के तीर्थ यात्रा जा रहा। मैया तो बड़ी दुखी हो गई, मैया बोली इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, आज हमने इन्हीं हाथों से ठाकुर को मैंने बांध कैसे दिया है। बड़ी दुखी हो गई मैया जसोदा, अभी दोनों में लड़ाई हो गई। नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर गए, धारसन दूत में मिश्री मिला करके पिला दिए। जब नंद बाबा शाम को आए एक कोने में मैया जसोदा बैठी हुई बड़ी दुखी होकर रो रही है, आज मैंने कैसे ये लाला को उखल में बांध दी। नंद बाबा एक कोने में कृष्ण बलराम को लेकर बैठे हुए, दोनों में लड़ाई हो गई। अगर दोनों में लड़ाई हो तो लड़ाई को खत्म कौन करेगा, तीसरा व्यक्ति कोई हो, बीच में कोई व्यक्ति हो। बोले तीसरे व्यक्ति कौन, बोले रोहिणी। बोले रोहिणी कौन है, बोले ताऊ भैया की मैया है। सोचा अगर कृष्ण को बाबा का गोद से ला करके माँ की गोद में छोड़ जाए पर लड़ाई खत्म हो जाए करके। दाऊ को बोले दाऊ एक काम कर, कन्हैया को पिताजी की गोद से उठा करके मैया की गोद में छोड़ दे। इतने में दाऊ गए और कृष्ण का हाथ बोल के कन्हैया कन्हैया चलो मैया के पास में चलो। लेकिन कृष्ण तो बड़े गुस्से में थे, उन्होंने एक झटका मारे और दाऊ भैया तो वहीं पर गिर पड़े। मैया रोहिणी बोली कन्हैया मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया मेरे को मारती रहती, मैं बाबा को पास में रहा करूँगा। बोले दूध तो बाबा को पास में तो नहीं मिलेगी, दूध तो मैया के पास में मिलेगी, पर दूध कहाँ से पियोगे। बोले मैया पिताजी धारसन दूध, धारसन दूध समझते हो, गैया को जब आप गैया तब कोई रहते नहीं, जब गैया को दोहन करना गैया को जो दूध है गर्म गर्म रहता है, कभी पिए होंगे जो बड़े बड़े होंगे, उसको गर्म करने का कोई जरूरत नहीं, बड़ा पुष्टिकारक होता है, वो गर्म रहता है, इसलिए उसमें
बाबा मिश्री मिला करके मेरे को पिला देंगे। बोले सोग किसको पास है? कन्हैया का, जब तक मैया की गोद में नहीं सो उसको नींद नहीं आता है। बोले सोग किसको पास में? बोले बाबा का गोद में सो जाओगे। बोले खेलोगे किसको पास में? बोले दाऊ भैया को साथ में खेलूंगा। बोले फिर मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं नहीं जाऊंगा। बोले अगर नहीं जाओगे मैया, अगर ऐसे हो गई तो, मैया अगर मर गई फिर क्या होगी? जब मई कृष्ण ने सुना अगर मैया के पास में नहीं जाऊंगे तो मैया मर जाएगी, फिर तो कृष्ण को रहा नहीं गया। फिर कृष्ण मैया 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 क्या कहते कहते पिताजी की गोद से खड़े हो गए और जाकर के सीधा मैया की गोद में लेट गए। जब मैया की गोद में लेट गए, मैया तो कन्हैया को पा करके फूट फूट करके मैया रोने लग गई। और वहां पर जितने ब्रजवासी थे जो ये लीलाओं को दर्शन कर रहे थे, वो सबके सब ये लीला देखकर मुग्ध था, सबके सब रोने लग गए। इसलिए कहते कृष्ण ऐसे ही संपूर्ण ब्रज को इतने मीठा मीठा प्रभु लीला करते थे, सारे ब्रज को उन्होंने डुबो करके रखे थे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद कराया और श्री गिरिराज गोवर्धन को पूजा किया। कल हम लोगों ने सारी कथा सुनी। जब एक साल बीत गई, इंद्र ने देखा हर साल ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन इस साल तो पूजा पूजा की कोई नाम बंद तक भी नहीं। एक दूतों को भेजा, देखो तो क्या हो रहा है। उसने आकर के देखा जितने इंद्र के लिए खाना बढ़िया बढ़िया बना था, वो सबके सब लेकर कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहे। उन्होंने देख करके इंद्र को शिकायत कर दी। इंद्र बोले ये ब्रज को मैं रखूंगा नहीं, संपूर्ण ब्रज को मैं सत्यानाश कर दूंगा। पुण्य संवर्तक में और उन्होंने अनचास पवन बुलाया। बोले ब्रज में ऐसे शिला वृष्टि करो, ऐसे आंधी तूफान आए, ऐसे ओले गिराओ, हाथी के सूंड के जैसे ऐसे बरसात करो, ये गोकुल नाम का जो गांव है जैसे ये नहीं रह जाए। इतने इंद्र का आदेश को पा करके मानो ब्रज में प्रलय आ गया। इतने में जितने ब्रजवासी थे वो सबके सब कृष्ण का शरण में गए। देख कृष्ण की क्या हो रहा है, तेरे बात सुना तो उसे क्या हो रही है। बोले कोई चिंता मत करो, हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, वो हमारी लाज बचाएगा। चलो सबके सब श्री गिरिराज की तलहट में चलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा ले, ऐसे ही कृष्ण उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। हम लोग भी जय नहीं दे, मैं कल बताया था ना, अब गिरिराज की जितने जोर से जय देगा उतना ही पाप जाएगी, उतना ही पुण्य आएगी और उतना आपकी इच्छा पूरी करेंगे गिरिराज। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण हम तेरी शरण Get it up.
7 दिन के बाद में एक दूत को भेजा, देख करके आओ ब्रज का क्या स्थिति है। वो केवल ऊपर ऊपर से देख करके चले गए। बोले महाराज एक चिट्ठी तक भी नहीं। उसने दूसरे को भेजे, तू देख करके आ। वो नीचे आया, देखा वहां एक चिट्ठी तक भी भरी थी। वो तो धूल उड़ रहा है, वो सबके सब नाच रहे और सबसे सब गा रहे हैं, प्रसन्न से सबके सब है। जब वापस गया बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया। बोले ब्रजवासी क्या सत्यानाश, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था वो तो गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, वो कनिष्ठ अंगुल ऊपर में हमने देखा, वहां धूल उड़ रहा है, वो चिट्ठी तक भी नहीं मरे, वहां तो उत्सव हो रहा था हमने देखा। इंद्र ने देखा, पर ये देखो ध्यान लगा करके देखा, बोले हे भगवान ये तो मेरे प्रभु है जिसने मेरे को कृपा करके इंद्रपद दिया था, क्योंकि बलि ने इंद्र को हटा करके इंद्र का सिंहासन पर बैठ गया था। भगवान वामन अवतार लेकर के उन्होंने स्वर्ग राज्य इंद्र को प्रदान की। तो बोलते मेरे प्रभु इन्होंने तो मेरे को कृपा करके इंद्र पद दिया है, लगता है ये इंद्र पद ही मेरे छीन गई है। उसने अपना गुरु बृहस्पति को पास में गए, बोले गुरु जी कुछ करो। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले फिर बोले ब्रह्मा जी को पास में चलो। ब्रह्मा जी को पास में गए तो बोले तुमने सत्यानाश कर। ये कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं, सारे देवता जिनके चरण में नाक रगड़ी। बोले मैं भी कुछ दिन पहले इतने बुरे तरह से मैं फंस गया था, बड़े कष्ट से मेरे को मुक्ति मिली। आप भी? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक दिन कृष्ण अघासुर को वध किया। वो विशाल दैत्य था, भयंकर, जिसको देवता लोग भी डरते थे। कृष्ण का जो 5 साल उम्र में जब उसको वध किए, सारे देवता लोग कृष्ण की जयकार लगाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब जयकार लगाए वो जय ध्वनि वो ब्रह्मलोक में पहुंचा। मैंने सोचा ये भैया इस देवता लोग जय जयकार किसको करे। मैं उतर करके आया, देखा कृष्ण इतने बड़े दैत्य को वध किए जिनको देवता लोग भी डरते थे जिससे। फिर और एक आश्चर्य मैंने देखा, इसकी ब्रह्म ज्योति तालु फट करके तो ज्योति आकाश में भ्रमण कर रही थी। फिर वो ज्योति जाकर के कृष्ण का शरीर में समा गया। मैंने कहा भैया ये बच्चा है कौन, ये ब्रह्म ज्योति भी जिनके शरीर में समा गया। मैंने आगे लीला देखने के लिए कृष्ण के बछड़े को और मैंने सखा को मैंने चोरी की। जब चोरी की इतने में कृष्ण ने ठीक जैसे बछड़े और सखा थे, कृष्ण ठीक वैसे ही अपना शरीर से प्रकट करके और उनको साथ में प्रभु लीला करने लग गए। मैंने जब इसको चोरी करके गुफा में बंद करके मैं ब्रह्मलोक में पहुंचा, वो पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए और वहां पर मेरे जो चौकीदार थे, कृष्ण ब्रह्मा बन करके अंदर में जाकर के मेरी गद्दी पर बैठ गए और चौकीदार को बोल दिए, देखो मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को मैं घूमते हुए देखा, मेरे जैसे कोई आए तो घुसने नहीं दिया। मैं जब मैं स्वयं गा, मेरे जो चौकीदार थे मेरे को डंड लेकर मारने दौड़े। बोले हमारे प्रभु तो सही बता रहे थे, कुछ बहु रुपया मेरे जैसे। मैंने कहा भैया मेरी गद्दी पर बैठ गया तुम, मेरे नौकर मेरे को मारने के लिए भागा रही। ध्यान लगाया तो प्रभु ही स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठ गए और मेरे को वहां से खदेड़ दिया। फिर मैं यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आते आते यहाँ हो गया 1 साल। फिर 1 साल के बाद में फिर जब आया, देखा कृष्ण जैसे तो तैसे लीला कर रहे। मैं तो चक्कर में फिर पड़ गया। मैं तो उनको लेकर के मोहन निद्रा में गुफा में सुला कर देता था। बोले इनको फिर कहाँ से ले आए, लगता है उनको कृष्ण फिर वापस ले आए। फिर वहां पर गया, बोले देखा नहीं वो तो जैसे तैसे लेट रहे सो रहे। जब मैंने दोनों तरफ में एक साथ में दोनों तरफ में मैंने जब देखा, भगवान दिखाया देखो ये जितने बछड़े और सखा ये और कोई नहीं, मैं स्वयं धारण किया।
खैर उन्होंने आप ब्रह्म स्तंभ जितने लता पता जितने सारा दुनिया में देखा नारायण 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 नारायण। मेरे को पता है एक नारायण की नाभि कमल से मेरी सृष्टि, लेकिन यहाँ अनंत नारायण को मैंने देखा। फिर तो मैं समझ गया ये बालक नहीं, ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी के मेरे पिताजी। फिर तो मैंने कृष्ण का चरण में आकर के आंखों का आंसुओं से उनका चरण को धोए, धो करके माफी मांगी। फिर ब्रह्मा जी भगवान को 40 श्लोक से स्तुति किए। आज हम लोग 2 श्लोक सुनेंगे, आप लोग ध्यान देकर सुनना। ये ब्रह्मा जी हमारे आदि गुरु हैं, और हम लोग कहाँ से आए हैं? बोले भगवान जी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अरे ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा हुए, और ये मनु शतरूपा से 5 संतान हुए, उत्थानपाद प्रियव्रत और आकृति देवती प्रसूति। और ऐसे करते 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 हम धीरे 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 हमारी वंश परंपरा आई, और अभी तक हम लोग यहाँ पर आए। इसलिए हमारे जो मूल पिता कौन है, कहते पितामह ब्रह्मा। हम कहते हैं ना पितामह ये ब्रह्मा, ये हमारे आदि पिता, ये हमारे आदि गुरु है। इसलिए उन्होंने 2 श्लोक बहुत अनूठा श्लोक बताए, हम कोशिश करेंगे 2 श्लोकों को सुनने के लिए। बोले ज्ञानी प्रयास मधुमास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोहि जे प्रायस अजितो जितो अपि स्त्रलोक्यां। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का एक नाम है अजित। अजित का मतलब होता है जिनको पाना बहुत ही कठिन, जिनको जितना बड़ा कठिन है। फिर प्रश्न होता है फिर ठाकुर क्या मिलेंगे नहीं, फिर उनका नाम ही अजित, फिर मिलेंगे नहीं? हाँ मिलेंगे, फिर कैसे मिलेंगे? उसका उपाय कहते हैं बोले ज्ञानी प्रयास उपास्य। मतलब है हमारे मन में जितने अभिमान है सारे अभिमान को पहले त्याग करो। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे तो एक सर है, मेरा कितना? बोले 4 है। बोले मैं क्या करता हूँ? बोले दुनिया को सृष्टि करने वाला हूँ, लेकिन मैं भी अपना बुद्धि बल लेकर के भगवान को परीक्षा करने के लिए गया था। मैं जैसे व्यक्ति भी ब्रह्मा को मैंने भी समझ नहीं पाए, और लास्ट में ब्रह्मा जी कहते हैं बोले जानम तू एव जानन तू। अगर कोई कहता है हम भगवान को जानते हैं, बोले उनको जानने दो, मैं पितामह ब्रह्मा कहता हूँ। धूल का धूल कणा को कोई गिन सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं, लेकिन जिनकी महिमा को कोई नहीं पार पा सकते। इसलिए कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। इसलिए कहते जितने तुम्हारे मन में अभिमान घमंड और अहंकार, पहले इसको पहले एक तरफ में रख दो सारे को अभिमान को, जो मैं ब्रह्मा में स्वयं बता रहा हूँ पितामह। फिर क्या करो बोले स्थाने स्थिताम स्तुतिगताम। जैसे हम किसको कहते हैं ना भजन करो, बोले समय नहीं आए भजन करने के लिए, अभी तो हमारे बहुत सारी काम है ना, है बहुत सारी अभी काम है, ये सारे काम जब निपट जाएंगे ना तो भजन करेंगे। बोले काम नहीं निपटेगा तू ही निपट जाओगे, लेकिन ये काम कभी ये निपटने वाले नहीं। आप देखना सामने एक समस्या है, हम कोशिश करते हैं अगर किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए ना हमारे सारे समस्या हल हो जाएगा। देखना वो एक समस्या तो हल नहीं हुई, सामने 3 समस्या खड़ी रहती। फिर हम सोचते हैं किसी तरह से 3 समस्या हल हो जाए, देखना वो 3 समस्या तो गई नहीं, 5 समस्या आई। जैसे मकोड़ा जैसे जाल बनाता है ना, बनाते बनाते इतने बुरी तरह से बना तो उसमें ही मर जाता है फंस कर। कहते उसी तरह ये जीव भी ये मकड़े जैसे बनाते बनाते इतने बुरी तरह से फंसते हैं, 100 साल हो गए 200 साल का प्लानिंग बना कर बैठते हैं, ये करना वो करना वो करना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सारे अभिमान को छोड़ करके भगवान जिस अवस्था में तुम्हें रखे उसी अवस्था को समझो जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति। अगर आगे कोई बढ़िया स्थिति आएगा तो तब भी आएगा कि जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, बगैर भक्ति से बढ़िया स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, कहते ना तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। इसलिए भगवान के ऊपर में शरणागत होकर के देखो, एक समय एक राजा थे और एक मंत्री थे। ये जो मंत्री थे वो बड़ी भक्त थे, वो हर काम में बोलते थे देखो ठाकुर जो कुछ करते अच्छे के लिए करते, ठाकुर कोई बुरा कर ही नहीं सकते,
हम कहते ना मंगल भवन मंगलहारी। एक दिन मंत्री और राजा दोनों गए जंगल में, इतने में राजा का ये अंगुल कट गया। बोले महाराज महाराज महामंत्री मेरी अंगुल कट गई। लेकिन मंत्री का स्वभाव था, वो हर बात बात में बोलता है, ठाकुर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इतने में मंत्री ने कहा देखो भगवान मंगल भवन अमंगल हरी, ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, जो कुछ करते जरूर उसमें कुछ ना कुछ मंगल होगा। बोले महाराज मेरी अंगुल कट गई जिंदगी भर के लिए, अब तुम कह रहे हो भगवान जो कुछ करते मंगलमय है अच्छे के लिए करते हैं। फिर मंत्री ने बताया भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, वो तो मंगल भवन अमंगल हरी। बोले सबका भगवान की इच्छा से और जो कुछ करते मंगल के लिए। बोले हाँ जरूर मंगल है। बोले अभी तेरे मंगल करवाता। उसने क्या किया, एक अंधकार कुआ था गड्ढा था, उन्होंने मंत्री को धक्का मारकर ना उसमें फेंक दिया। जो कुछ करते मंगल के लिए ना, तू पड़ा रहो अभी भगवान तेरा मंगल करे। अभी वो वापस आ रहा था और वापस आते समय एक कोई डाकुओं का सरदार था, उसने माँ देवी को पास में मनोदी रखी थी। बोले माँ अगर मेरे घर में एक बच्चा की जन्म हो जाएगी मैं तेरे पास में एक नर बलि दूंगा। अभी घर में एक बच्चा जन्म हो गया। वो जो डाकू का सरदार थे डाकुओं को बोले जाओ जंगल में जो कोई मिले पकड़ करके ले आओ। वो भ्रमण करते करते राजा ही मिले, बड़े लंबे चौड़े देखने में सुंदर। बोले वाह माँ तो बड़ी खुश हो जाएगी, हैं माँ तो बड़ी खुश हो जाएगी। उसको जब लाए ना राजा तो कांप रहा था, हे भगवान कहां मैंने फंस गया। उसको ला करके जहां बद करते उसको गला को उसमें फंसा दिया। कहां जा रहे वहां बैठ बार-बार क्यों जा रहे हैं, एक तरफ में खड़े रहो बार-बार बीच में बताओ ठीक है, एक तरफ में खड़े हो जाओ। इसलिए इतने में उसको गले को फंसा करके उठाया तलवार, जब उसको काटने जा रहे थे, एक नियम है देवी को वही चीज बलि चढ़ेगी जो शरीर पूर्ण होनी चाहिए, जिसका शरीर पूर्ण नहीं हो वो माँ देवी के पास में बलि नहीं चढ़ सकती है। इतने में हठात उसकी नजर पड़ा ये अंगुल कटा हुआ, इससे खून टपक रहा था, उठाया था तलवार। राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, कहता आज तुम्हें गया जान से। लेकिन जब देखा खून टपक रहे उसे तलवार को नीचा उतार दिया। बोले नहीं ये माँ देवी की भोग की लायक नहीं है, क्यों इसका अंगुल कटा हुआ उसको छोड़ दो। जब छोड़ दिया राजा ने देखा मंत्री तो सही बता रहा था, भगवान कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, अगर मैं अंगुल कटा नहीं हुआ तो पूरा पूरा बलि चढ़ जाता। उसको पूर्ण विश्वास था, उसने वापस आया और उसको धक्का मार कर कुएं में गिराया था, उसको कपड़ा फेंक करके ऊपर ही निकाला। बोले महाराज क्या हुआ, बोले तुमने जो बात बताई थी ना सही बात, बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ। बोले देखो मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या शंका है, बोले भगवान तो मेरा मंगल कर दिया। बोले हाँ, बोले तेरे मंगल किया गया है, तभी से अब तक तुमने ये अंधकार कुएं में तुमने गिरा रहा, लेकिन तू जो इतने कष्ट भोग किया फिर तेरा क्या कल्याण हुआ, कल्याण तो मेरा हुआ लेकिन तेरा क्या कल्याण हुआ। देखो ध्यान से सुनो, कहते महाराज अब इधर इधर आ जा, इस तरफ में आ जा, सामने सामने आ जा, इधर आ जा। हरे कृष्ण बोले श्री वृंदावन हरे कृष्ण। हाँ देखो उसने बताए उसमें तुम्हारा क्या मंगल हुआ, मंगल तो मेरा ही हुआ। बोले कैसे, बोले अगर तू मेरे को ये कुएं में धक्का मार करके नहीं गिराते तेरे को तो छोड़ देते, क्योंकि तेरा तो अंगुल कट गया और ये मेरे को पूरा के पूरा उन्होंने माँ देवी को सामने पूरा के पूरा उनको बलि दे चढ़ा देते, इसलिए तेरे कल्याण नहीं, कल्याण किसकी हुई है, कल्याण मेरे हुई है। बोले श्री वृंदावन जय जय परिवेश में रहो राधा रमन कहो जिस देश में जिस
जीवन का सबसे बढ़िया स्थिति समझो और भगवान की भक्ति करते रहो, तभी बढ़िया स्थिति और भी आएगी। लेकिन जब भगवान की भक्ति करोगे, दूसरी श्लोक में सिखा देते हैं कि देखो कभी किसको पर किसी चीज का दोष मत लगाएगा। जीवन में जो कुछ आता है ये समझो अपना किया हुआ कर्म का फल है। हम जैसे बीज बोएंगे फल वैसे ही वृक्ष आएगा। अगर हमने अंगूर का बीज बोए वहां पर चीकू का वृक्ष नहीं, वो अंगूर का वृक्ष आएगा। अगर नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? क्या चीकू का वृक्ष आ जाएगा? नहीं। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु तत्व कंपा सुमिक समान भुंजाम कृतम विपाकम। जीवन में जो आता है हमारा किया हुआ कर्म का फल आ रहा है, लेकिन हमें सामने दिखता है उनकी वजह से ये हो रहा है। बोले किसकी वजह से? कुछ नहीं होता है, तुमने जैसे कर्म किया वो कर्म का फल आता है। देखो अब मैं सही घटना सुनाता हूँ, इसमें बहुत कुछ सीखा है। अब सुने होंगे एक कल्याण एक पत्रिका आती है, वो कल्याण पत्रिका में ये कथा आई थी। बोले एक समय दो व्यक्ति बिजनेस के लिए निकले, एक था खड़गपुर नाम सुने होंगे बंगाल में, और एक व्यक्ति राजस्थान से। दोनों ही पैसा वाला व्यक्ति थे, सोचा जब हम दोनों मिल करके ये बिजनेस करेंगे, मिल करके दोनों पैसा वाले बिजनेस बढ़िया होगा। अभी उन्होंने जो राजस्थान का व्यक्ति था उसने खड़गपुर का जो व्यक्ति था उसको पैसा दे दिया। ये पैसा ऐसे की चीज है ना, वो बड़े बड़े व्यक्तियों का बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। जब उसको पास में पैसा आ गया, बोले किसी ने देखा तो नहीं उसने मेरे को पैसा दिया, और इतने सारे पैसा हो गए, इसको किसी तरह से मैं मरवा डालता हूँ और सारे पैसा का मालिक मैं बन जाऊँगा। उसने एक पकौड़े वाले से बात किया, बोले देख तेरे को 1,00,000 रुपया दूंगा, एक काम करोगे पकड़े वालों को अगर 1,00,000 रुपया तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बोले देखो हम दोनों पकोड़े खाने आएंगे, तुम हम दोनों को पकोड़ा खिलाना, मेरे को तो अच्छा पकोड़ा खिलाना, लेकिन मेरे जो दोस्त होगा ना उसको जहर मिलाकर खिला देना। बोले ठीक है। वो बाद में आ गई, उसने उसको खिला दिया जहर का पकोड़ा।
अब इसको पता है जहर का पकड़ा गया पेट में, अभी रिएक्शन होगी, उसको किसी तरह से अपना घर में ले गया। अभी उल्टी दस्त बीमारी कैसे करते करते उसको शरीर चढ़ गया, उसने उसी शरीर को गायब कर दिया, उसने कर दी। अभी उसने एक साथ में बहुत सारी पैसा हो गया ना, बड़ा सुंदर आलीशान मकान बनाया, लोगों ने सोचा गया था बिजनेस के लिए शायद अच्छा कोई लाभ हो गया। उसको बाद में उसको एक बेटा हुआ, सुंदर बेटा। वो बेटा जब बड़ा हुआ, बड़ा होते होते जिस दिन से वो बेटे की शादी हुई ना, उसी दिन से बेटा बढ़ गया बीमार, और ऐसे बीमारी में पड़ा बिस्तरा से और उठ नहीं पाया। उसको पीछे पैसा पैसा लगाते लगाते सारे पैसा खत्म, अभी मरने वाला है। पूरा परिवार के लोग चारों तरफ में घिरे हुए, मरेगा ठीक मरने से पहले अच्छे तरह से बैठ गया, अभी तक लेटा हुआ था, मरने से पहले अच्छे तरह से बैठ गया। और उसने सारे अच्छे जैसे व्यक्ति बात करता ना, बात करने लग गया, बोले देखो ये व्यक्ति को पूछो, मेरा घर राजस्थान का अमुक स्थान का, हम दोनों बिजनेस करने के लिए हम आए थे, उसने पकड़े वालों से उन्होंने जहर खिला करके मेरे खत्म कर दिया, मैंने प्रतिशोध लेने के लिए उसका बेटा बन करके आया, उसने जितने पैसा हमें से लिया था और चक्रवर्ती ब्याज के साथ में सारे पैसा खत्म कर दिया, थोड़ी पैसा छोड़ दिया क्योंकि उसको अभी अंतिम क्रिया करना है, थोड़ी पैसा मैंने छोड़ दिया। उसको पूछो इसने मेरे सही से किया कि नहीं, बोले हाँ मैंने ऐसे किया, उसने मान लिया ऐसे मैंने की। लोगों ने प्रश्न किया, बोले जब से तुमने शादी की तब से क्यों बीमारी में पड़ी, पत्नी तो विधवा हो गई ना, बोले जानते हो ये पत्नी कौन है, बोले कौन है, बोले जिसने पकड़े में जहर मिला कर खिलाए, ये पकड़े वाले ये कल्याण में कथा आई थी। इसलिए यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, यहाँ शिक्षा देते, देखो थोड़ी सी लोभ में आकर कभी किसी को कष्ट मत दिया करो। अगर दूसरा का हम कल्याण नहीं कर सकते, भलाई नहीं कर सकते हैं, कभी दूसरे को बुराई मत किया करो, ये ब्रह्मा खुद कहता है। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे वो बीज वैसे ही निकलेगा, वृक्ष वैसे ही निकलेगा। इसलिए कभी किसी को ऊपर दोषारोप को नहीं करते हुए, अगर जीवन में कष्ट आ रहा है उसको हंसते हंसते भोग लो, उसको हंसते हंसते भोग लो, भोग लोगे तो फिर सारे कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी और आगे तुम्हारी बढ़िया स्थिति आएगी। हाँ, और एक दो चीज में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, आप लोग अच्छे तरह से चीज को समझो। कभी कभी हम जब भक्ति करते हैं, कभी जीवन में थोड़ी बहुत कहीं दुख आती है, कभी कभी हम थोड़ी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, जो भक्ति नहीं करता देखो वैसे फलते फूलते जा रहा है, हम किसके कोई बुराई करते नहीं, हम भगवान के नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, देखो हमारा जीवन में कैसे दुख कष्ट आता है। देखो एक दो आपको मैं उदाहरण देता हूँ, ये उदाहरणों का अपना दिमाग में फिक्स कर लो, फिर आप कभी दुखी नहीं बनोगे। देखो आपके किसी बता था हम, देखो देखना घर में पहले गेहूं की खेती होती थी, उसके गेहूं खेती का ड्रम होता था, वो ड्रम में उसको डाल देते थे और नीचे एक छिद्र होता था, जितने जरूरत वहां से निकालना करते थे। जैसे इसी साल हमने खेती की, लेकिन गेहूं का खेती में गेहूं बढ़िया नहीं हुआ, छोटा छोटा गेहूं हुआ, उसको ड्रम के ऊपर में हमने डाल दिया। जब दूसरे साल हमने खेती की, गेहूं का दाना बहुत बढ़िया हुआ, उसको भी हमने ऊपर में डाल दिया। आपको मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर दीजिए, जब नीचे से गेहूं निकालोगे पहले कौन सा गेहूं आएगा? क्यों आपने बड़ा डाला है ना, वो बड़ा क्यों नहीं आएगा बताओ? हाँ हाँ, देखो इतनी चीज को समझ लो, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं ये भक्ति का फल जरूर मिलेगा। कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रतपाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्म सत्राय तो महत्वया। हे अर्जुन, मेरे लिए अगर इतने सी कोई करता है ना, उसके लिए मैं इतना करता हूँ। द्रौपदी ने किया कि बताओ, भगवान के अंगुल कट गया, थोड़ी बैंडेज कर दिया है ना, ठाकुर जी भरी सभा में लाज बचा। सुदामा ने किया दिया ठाकुर को, दो मुट्ठी चिड़वा दिया है, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी देते हैं। हैं, भगवान के लिए इतने करो, भगवान हमारे लिए कितना करेगा? हाँ करेंगे, जो बड़ा गेहूं डाले ना उस भी आएगा, लेकिन कब आएगा? पहले तुमने जो छोटा गेहूं डाले, पहले छोटे गेहूं को तुम खत्म होने दो, फिर तो बड़ा गेहूं अपने आप आ जाएगी। हाँ, इसी चीज को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, कभी कभी हम कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज समझो, एक छोटी सी कथा सुनो, कोई दो भाई थे, एक भाई तो पूरा नास्तिक, भगवान भगवान कुछ नहीं मानता था, और एक भाई खूब आस्तिक, दिन भर ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति दिन भर करता था। जो भक्ति नहीं करता था, जो भक्ति करता था उसको हर समय टोंटी करता था, बोले क्या दिन भर माला लेकर बैठा हुआ
ये पत्थर को सामने बैठा हुआ पत्थर कोई बात करता है, अपना समय को तो बर्बाद कर रहा है। वो बेचारा बड़ा दुखी होता था। एक दिन दोनों भाई कहीं निमंत्रण में जा रहे थे और जाते जाते जो भजन नहीं करता था उसके किसी सोने की मोहर मिली। उसने कहा देख लिया, मैं तो भगवान की भक्ति नहीं करता हूँ, सोने की मेरे को मोहर मिली। और थोड़ी दूर गया, जो भजन करता था उसको प्यार में एक लोहे का सीख कर गया और खून की धार बह ली। तो तू देख लिया ना, तू इतने भगवान की भक्ति करते हो, तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला। उसने देखा बात सही है। वो तो बड़ा दुखी हो गया। बोले ठाकुर जी, दिन रात तेरे सेवा पूजा भक्ति करता हूँ, तू सबके सामने मेरे को ऐसे बेइज्जत करते रहते हो। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा तुमको पूर्व जन्म की बात याद नहीं, सुन लो। उसको जो एक सोने की मोहर मिली, पहले जन्म में इतने पुण्य, इतने दान पुण्य किया था, आज राज दरबार में उसको राज तिलक लगने का था, लेकिन वो मेरे और मेरे भक्तों को निंदा करता है, हैं, चुगली करता है, सारे पुण्य मैंने खत्म करके केवल एक सोने की मोहर देकर वंचित कर दिया। तुमने पहले जन्म में मर्डर की थी, आज का दिन राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, लेकिन चुचुक को मेरे भजन करते हो, भक्ति करते हो, मैंने सारे तुम्हारे पाप मैंने खत्म करके केवल प्यार में एक सीख गढ़ा करके तेरे को छोड़ दिया। बेटा तुमको पता नहीं पूर्व जन्म में हमने क्या क्या करते करते आए, इसलिए भक्ति करने वालों को कभी उदास नहीं होनी चाहिए। हरि भजन किया मेरे को, ये पंचपांडवों का नाम सुना ना, सुने कि नहीं, जिंदगी भर दुख उठाए। जब कृष्ण फिर कहते हैं वर मांगो, फिर क्या मांगती है, बोले प्रभु कृष्ण मेरे को मेरे झोली में दुख भर दो। बोले बुआ जी, जिंदगी भर दुख उठा तो उठा, क्या पेट भरा नहीं, फिर मांग रहे हो दुख मांग रहे हो, वो क्या कहती है, बोले सुख के माह पर सील पड़े जो राम हृदय जाए, बली हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे दुख आए सब। इसलिए प्रभु कभी चार तरह का व्यक्ति तरह भक्ति नहीं करते हैं। बोले कौन कौन है, बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, कभी चार चीज को छोड़ दो, जिसको पास में एक व्यक्ति हो जाएगा तरह भक्ति नहीं करेगा। बोले कौन है, बोले जिसको पास में थोड़ी ज्यादा पैसा हो जाए। देखना उनको कहीं सत्संग में तीर्थ में देखने को नहीं मिलेगा, आए और गए, जितने नाइट क्लब में, जितने थिएटर में, जितने शराब खाना में देखना, इनका सब वहीं पर अड्डा खाने वहीं पर है। कहीं तीर्थ यात्रा में भगवत भक्ति में इनको कहीं नहीं देखने को मिलती। ये स्वयं महाकुंती कहते, बोले जन्म जिसको थोड़ा हाई फाई घर में जन्म हो गया, बड़ा अभिमान हो जाता है, अरे हमारा किसी चीज कहीं भक्ति करेंगे। श्री श्री मतलब जिसको थोड़ी चमड़ा थोड़ा बढ़िया हो जाता है, हैं, कहते अरे हम तो इतने सुंदर देखने में, हम सत्संग में कैसे जाएंगे, हरि कथा कैसे सुनेंगे, हैं, इसलिए हमारे नाकन नहीं कट जाएगी। लेकिन शराब शराबी को पास में नाकन नहीं कटता है, जुआ खेले में नाकन नहीं कटती है, हैं, इसलिए। और जो चौथा चीज है, बोले ज्ञान, थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा हो जाए ना, बोले अरे हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए माँ कुंती बात को स्वयं कहती है, प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे, हैं, इसलिए नहीं करने वाले। हाँ अगर किसको पास में है, अगर कर रहा है, समझना भगवान की उसको ऊपर में बहुत बड़ी कृपा, उसको ऊपर में उसको ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, वो जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान जिस स्थिति में रखे हैं उसी स्थिति में रहते हुए भगवान की भक्ति करते रहो, आगे और बढ़िया स्थिति आएंगे। ब्रह्मा जी भगवान को सुंदर सुंदर स्तुति की, ठाकुर जी का परिक्रमा करके फिर ब्रह्मा जी वहां से चल पड़े। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कात्यायनी महामाये महाजोगेन्द्रेश्वरी। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ब्रज की छोटी छोटी बालिकाएं उन लोगों ने कात्यायनी की पूजा की। अभी हमने जो मंत्र पढ़ा है ना, इसमें दो फल है, अब ध्यान देकर सुने। उसमें एक इसका एक फल है, जिस लड़की की शादी वादी नहीं होती है ना, आपको बोलो ये मंत्र पढ़े, जल्दी जल्दी उसका शादी हो जाएगी, क्योंकि मंत्र बड़े शक्तिमान है। तो कात्यायनी महामाये, महामाई मतलब होता है जो अघटन घटन पटियसी, असंभव को जो संभव तुम कर सकती हो, महाजोगिन तुम अधीश्वरी। इसलिए हे कात्यायनी आप कृपा करो, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुकुल नंदम,
झीला नंदलाला जैसे हमारे पति बन जाए। इन लोगों ने एक महीना तक उन्होंने मंत्र की उपासना की, भगवान इनके वस्त्र हरण कराया, भगवान वस्त्र हरण नहीं किया, उनको सखाव ने करवाया था, क्योंकि स्त्रियों का लज्जा ही सब कुछ भूषण है। लेकिन उन लोगों ने सब लाज लज्जा ठाकुर जी के शरण में चरण में दे दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम लोग को साथ में शरद पूर्णिमा में विरास करूंगा। भगवान अभी रास करने जा रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला को वर्णना करते हैं, जो पहला जो एक श्लोक है, जब वो श्लोक में कहते बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्त मनश्चक्रे जोग मायां उपाश्रिता। बोले भगवान जो रासलीला की है, कभी कभी कुछ कुछ लोगों को मन में शंका आ जाती है, बोले अरे कृष्ण किया सब दूसरे दूसरे लड़कियों के लिए नाच रचे, ये लड़कियां नहीं थी। हम आगे सुनेंगे शंकर भी स्वयं गोपी बन करके आते हैं, क्या भगवान को साथ भोग करने के लिए आए थे। रास मतलब होता है दिव्य रस है, बोले रस कब जीव को प्राप्त होता है, बोले जीवात्मा परमात्मा का जो संपूर्ण मिलन हो तभी जीव को ये परमानंद प्राप्त होता है। रास मतलब होता है जहाँ पर रसी रस है, जहाँ पर गोपियां करोड़ों करोड़ जन्म की साधन का स्वरूप में भगवान को उन्होंने पूर्ण रूप में प्राप्त किया, जहां पर नाचे कूदे गाए, यही रास। और रास कोई गंदी चीज नहीं है। कहते गोपियां कौन थी, साधारण कोई लड़की नहीं थी। मैंने आपको कुछ बताया था, जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में गए, ये करोड़ों करोड़ जन्म की तपस्वी थी, गोपाल मंत्र में उपासना करती थी भगवान को देख करके, राम श्याम बराबर है। अभी राम को देख करके श्याम को याद आई, अभी राम को पति रूप में प्रार्थना की, बोले नहीं केवल सीता के सिवाय मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग गोपी बन करके आओ। जब भगवान रामचंद्र दंड गए थे जनकपुरी में, ये जनकपुरी में जितने सब थे, सब सीता की सहेलियां थी, वो भी राम को प्रार्थना की, बोले नहीं द्वापर युग में सब सब गोपी बन करके आओ। कहते श्री वेद को जो मंत्र थे उन लोगों ने कठोर तपस्या की। कृष्ण बोले क्या चाहते हो, बोले गोपी भाव से आपको प्राप्त करना चाहते हो। वो सबके सब गोपी बन करके आए, बहुत बहुत ऋषि मुनि लोगों ने ये सबके सब गोपी बन करके आए। गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी मतलब होता है पीना, जो इंद्रियों को द्वारा नित्य निरंतर जो भगवान की भक्ति रस को प्रेम रस को जो पान करती रहती है, इसलिए इनको कहते हैं श्री गोपियां हैं। इसलिए भगवान है यहाँ पर कहते भगवान, बोले रास रचया कौन, बोले जीव नहीं भगवान है, ये जीव कभी रास नहीं कर सकता है। देखो कृष्ण जब द्वारका में गए 16,160 पटना, जब रास किए 7 करोड़ गोपियों से, आपका घर में दो पत्नी एक व्यक्ति का हो जाए, देखना दिन भर क्या होता है। महाभारत घर में दिन भर महाभारत चलती रहेगी, है महाभारत चलती रहेगी, एक व्यक्ति का दो पत्नी थी, पति दिन भर काम करता है बाहर, सोचता है घर में जाकर के शांति मिली, शांति की घर में रोज महा, बोले उसने ऐसे बोल दिया, बोले पहले उसने मेरे को इसका, बोले उससे पहले मेरे को ऐसे बोली थी, दिन भर दुखी दुखी सोचा इनके लिए दो मंजिल बना देता हूँ, ऊपर एक रहेगी नीचे एक रहेगी, पर झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी जो नीचे रहती है ना, पहले से ही खाना पीना बना कर रख कर बैठी रहती है, वो जब घर में आए सीधा पकड़ करके अंदर में ले जाते, अभी ऊपर जो दिन भर परेशानी परेशानी, जो ऊपर थी एक दिन उसने नीचे आकर बैठी, बोले आज मजा चखा हूं। हैं इतने में जब पति आए ना, सीधा पकड़ करके बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, चलो ऊपर में मैं खाना भी बनाकर बैठी हूँ। जो ऊपर ले जा रहा था, जो नीचे थी ना, ऊपर तो हाथ पकड़ कर ले जा रही थी, नीचे थी उसने टांग पकड़ ली, अभी वो ऊपर भी छोड़ना नहीं चाहिए, नीचे भी छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों कोई छोड़ना नहीं चाह रहे। इतने में एक चोर घर में चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करेगा, इसको देख करके तो देखते रह गया। बड़े लेट में जब उनकी झगड़ा खत्म हुई, देखा घर में चोर बैठा हुआ, अभी उसको पकड़ कर पुलिस को पास में ले गए, बोले इसको क्या सजा दिया जाए, बोले मेरे को जो कुछ सजा देना दो, लेकिन एक सजा मेरे को मत दो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए, ये सजा मेरे को मत दो। अगर दो बीवी, एक को संभालना कितना कष्ट होगा आपको पता होगा है। अगर जिसने 7 करोड़ गोपियों को साथ में लीला कर रहे, एक दिन नारद द्वारका में पहुंचे, बोले प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, कितने स्त्री को कैसे संभालते हैं। नारद जी द्वारका में गए, उनके लिए 16,108 उनके लिए महल बनी हुई। पहले रुक्मणी को घर में गए, देखा प्रभु जी यज्ञ कर रहे, नारद जी आए चरण धोए आसन देकर बैठा, बोले नारद बाबा बड़े दिनों में आए, वहां से प्रभु ने विदाय गए। जब दूसरे घर में गए सत्य भवन घर में, देखा प्रभु वहां बच्चों को पढ़ा रहे थे,
जब अभी यहीं से वहां तक गए, कृष्ण कहते हैं अब तो बड़े दिनों में आए हो, बीच बीच में आया करो। नारद बोले अभी तो कृष्ण मेरे को विदाई दिया, घर बड़े दिनों में आए। जब उन्हें तीसरे घर में गए, देखो वहां पर बैठ करके चौखट, उन्होंने जिस जिस घर में गए प्रभु को अलग 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 रूप में प्रभु को लीला करते हुए देखे, हे भगवान। क्योंकि अगर कोई हमारा मन को भर सकता है ना, तो केवल प्रभु ही भर सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान अपि तारात्री, ये जीव रास नहीं कर रहे हैं, भगवान ठाकुर जी ये रास कर रहे हैं। इसलिए भगवान जब दिव्य बंसी ध्वनि की, राधा रानी सुन रहे थे बंसी से, केवल राधे ही राधे सबका आ रही है। गोपियां सुन रही थी ललिता ललिता, विशाखा सुन रही थी विशाखा विशाखा। देखो ये प्रसंग इतनी लंबी चौड़ी है ना, अगर इसको भी 7 दिन सुनाए तो भी खत्म नहीं होगा। हाँ, मतलब इतने मेरे को, इतने कथा मेरे को पता है, लेकिन आपके पास अभी समय नहीं है कथा सुनने के लिए, अभी यज्ञ होना, इसलिए सटकट में सारी कथा सुना देता हूँ। कैसे गोपियां सारे आसक्तियों को छोड़कर कैसे गोपियां भगवान के पास में आए। भगवान ने कहा देखो ये घोर रात्रि अंधकार है, ये अंधकार में तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता स्त्रियों को ये अंधकार रात्रि में नहीं आनी चाहिए। देखो कृष्णा ये सब शिक्षा दे रहे हैं जीवों को, कभी भी स्त्रियों को बताया कैसे है कि लता है, और स्त्रियों को एक उदाहरण दिया है, जैसे आटा को गूंद करके अगर घर में रखोगे ना चूहा खा जाएगी, अगर आटा को गूंद करके छत के ऊपर रखोगे कौआ उठा कर ले जाएगी। इसलिए स्त्री जातियों को ऐसे एक स्वरूप दी गई है, इसलिए इनको कभी भी स्वतंत्रता की, हमारा शास्त्र कभी मदद, कभी उन्होंने अनुमोदन नहीं की स्त्रियों को स्वतंत्र देना, कभी अनुमोदन नहीं किया। इसलिए मनुष्य संहिताएं बताया, जो बच्चे हो पिता माता के अधीन में रहो, जब बड़े हो जाओ अपना पति के अधीन में रहो, जब वृद्ध हो जाओ फिर बच्चों का अधीन में रहो। इसलिए स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं दी गई, लेकिन इसलिए कृष्ण कहते तुम पतिव्रता नारियों को अर्धरात्रि से घर त्याग नहीं करनी चाहिए, मना करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बस रात में कहां कोई बाइक उठा कर कौन कहां जा रहे हैं, कौन किधर जा रहे हैं, किसको पता नहीं कौन किधर जा रहे हैं। इसलिए भगवान वहीं से ही ये जीवों के लिए मना करते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी जो इतने डाइवोर्स फाइवोर्स इस तरह क्यों हो रहा है, सब इसी कारण से ही सारे डाइवोर्स लड़ाई झगड़ा सब इसी कारण से सारे हो रहा है। भगवान ने जो शिक्षा दी उस शिक्षा को हम अपना नहीं रहे अपना जीवन में। इसलिए भगवान ने गोपियों के साथ में बहुत सारे तर्क वितर्क किए, उसके बाद में गोपियों ने सारे जी को कृष्ण का तर्क वितर्क खंडन कर दिए। फिर भगवान गोपियों के साथ में भगवान ने रास करते हैं, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी रास करते हैं भगवान। अभी राधा रानी तो देख रही थी कृष्ण सब गोपियों के पास में, लेकिन केवल गोपियां देख रही थी कृष्ण केवल हमारे पास। अब ये गोपियों के अंदर में ये सौभाग्य मत हुआ, जो एक हाथ में काजल पहनी थी कृष्ण दूसरे हाथ में पहना दिए, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधनी गले में ठाकुर जी ठीक सजा दिए, जो आधा कपड़ा पहन कर आए थे ठाकुर जी पूरे कपड़ा पहना दिए हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर हमें कोई श्रृंगार कर सकते हैं तो ठाकुर ही पूर्ण रूप में हमारे श्रृंगार को कर सकते हैं। अभी गोपियों ने राधा रानी को नेग्लेक्ट करना शुरू की, बोले राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम अकेले अकेले पूर्ण है, देखो कृष्ण हमें कितने प्यार देती है। देखो स्त्रियों में एक दोष भी है, बोले क्या दोष है, अगर जो पति पत्नी को ज्यादा ही प्रेम करता है ना, देखना फिर वो सर्प चढ़ बैठती। अभी गोपियों के मन में अभिमान हो गई हमारे बगैर तो कृष्ण को चलेगी नहीं, देखो कृष्ण हमारी कितने प्यार करते हैं। इतने में कृष्ण ने देखा राधा रानी अभिमान करके चली गई, फिर कृष्ण सारे गोपियों को त्याग देकर जाते हैं, राधा रानी को श्रृंगार भट्ट में श्रृंगार करते हैं। फिर गोपियां ढूंढते लता पता वृक्षों को सर्वत्र ढूंढते ढूंढते भगवान जब श्री राधा रानी को जा पास में जाकर पहुंचते हैं, इतने में राधा रानी कृष्ण बोले हे राधे चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि तेरे को मनाते मनाते इतने समय हो गया, अगर दूसरे अगर गोपी देख लिया ना वो भी मान करके बैठे फिर दिन भर क्या ही करते रहूंगा, इसलिए यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। बोले मैं नहीं चल पाती हूँ, जैसे रासों से ले आए थे इसलिए चलो। बोले क्या कंधे पर बैठ कर जाओगे, बोले बैठा करके ले चलो। जब बैठने के लिए गए ना कृष्ण वहां से भी अंदर ध्यान होते हैं, राधा रानी वहीं पर बेहोश हो जाती है, गोपियां आकर उनको होश देती हैं, बोले कृष्ण को उनका भजन सबसे प्यारा है चलो हम जमुना किनारे में गोपी गीत गाने लगे। फिर उनने गोपी गीत को गाए, 2-3 श्लोक आप लोग सुन लीजिए, बोले जयती जय
रूप लेकर प्रकट हुई। गोपियों ने प्रभु को आसन देकर के बैठा और प्रश्न करते, गोपियों ने प्रभु को तीन प्रश्न किया है। बोले कृष्ण की ये बताओ, तीन तरह के व्यक्ति होते हैं भजन करने वालों को जो भजन करता है, ये पहला नंबर है। दूसरी नंबर है करे नहीं करे तभी भजन करते हैं, ये दूसरे तरह का। जो तीसरा तरह का है करे नहीं करे तभी किसको साथ में कोई मतलब नहीं। कहते ये तीन तरह का व्यक्ति होते हैं, बताओ ये तीनों में तुम कौन हो, ये तीनों में तुम कौन हो। कृष्ण ने कहा देखो हरि बोल, अभी बात देखो, कहते हैं तीनों में तुम कौन हो। कहते गोपियां में तीनों में कुछ कोई भी नहीं। कहते जो भजन करने पर जो भजन करते हैं, कहते ये बढ़िया है। जैसे 100 रुपया लेकर के जाओ दुकान में, 100 रुपया का सामान ले आ भाई खत्म, वहां की प्रेम फर्क नहीं। दूसरे नंबर के बोले करे नहीं करे तभी करते पिता माता है। अब देखना बेटा जितने नालायक क्यों नहीं हो जाए, पिता माता क्या सोचते हैं, बेटा मेरो बेटा मेरा है। देखो एक समय किसी प्रेमिका ने किसी प्रेमिको को बोला, बोले तभी तेरे को मैं प्रेम करूंगी अगर तेरी मैया को, अगर दिल को तुम लेकर के आ जाओगे। उसने प्रेमिका की प्रेम में फंस करके अपना मैया को ही बद कर और उसके दिल को लेकर के आ रहा था। इतने में उसने कहीं से होचट खा कर गिर पड़ा, ठोकर खा कर। जब गिर पड़ा वो दिल से आवाज आती, बोले बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगा। बोले मैया की जो दिल है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं इतने मैया को चरण में हम ऋणी हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कहते बोले माँ मैं तुम्हारी ऋणी कभी नहीं चुका पाऊंगा। हाँ देखो जितने बहु लोग हैं आप लोग ध्यान देकर सुनो, कभी कभी यह होता है जैसे घर में बहु शादी करके आती है ना, आकर के फिर उनको आदर जतन नहीं देते, फिर बच्चे भी उनकी उनकी चक्कर में आकर के पिता माता को कभी कभी अनादर करते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। एक दिन जो बहू है उनको भी एक दिन साहस बनना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, सबको एक दिन साहस बनना पड़ेगा। हम जैसे अपना सास को हम सेवा करेंगे फिर वो हमारी तो सेवा वैसे होगी ना, सेवा तो हमारे फिर वैसे होगी। इसलिए हाँ, और दूसरी बात है कहते हर सास को अपना बहू को अपना बेटी जैसे देखनी चाहिए। कहते अपना जो बेटी है, कहते बेटियों को जो सास को अपना माँ जैसे देखनी चाहिए। देखना फिर घर में सारे झगड़ा खत्म हो जाएगा, फिर घर में कोई झगड़ा ही नहीं रहती घर में। लेकिन यही चीज की कमी हमारी अंदर में होती है, यही चीज की कमी है। कहते सास अपना बहू को बेटी नजर में नहीं देखती और बहू अपना सास को माँ नजर में नहीं देखती है। जितने सारे गड़बड़ी का कारण यही पर होती है, इसलिए ऐसी गड़बड़ी हमारी नहीं होनी चाहिए। बोले बोले तीसरे नंबर, बोले तीसरे नंबर का व्यक्ति चार ही तरह का है, आत्मा राम आप्तकाम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है। बोले कृष्ण लगता है तू आत्मा राम आप्तकाम नहीं, तू गुरुद्रोही और अकृतज्ञ है, क्योंकि तूने बंसुरी बजा करके हमको बुलाया और अंधकार में, फिर बीच में तुमने हमें कहा छोड़ कर भाग गया था, फिर क्यों छोड़ करके भागे। फिर कृष्ण कहते हैं गोपियां मेरे को ऐसे मत कहा करो। कहते प्रेम की दो पहलू होता है, एक मिलन और एक विरह। अब ये चीज को समझो, एक मिलन है और एक विरह है, प्रेम की दो पहलू है। कहते मिलन में क्या होता है, वो सामने है ना, देखना पहले पत्नी पास में रहे, पहले लगती है चंद्रमुखी, बाद में फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। अगर पति अगर बहुत दूर में रहता है, साल दो साल में कहीं आता है ना, जब आए देखना खूब सेवा हो। लेकिन अगर घर में रहे तो एक गिलास पानी उठा कर दो, बोले उठा कर पी नहीं पा रहे, उठा कर पी नहीं। इसलिए कृष्ण कहते केवल तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी प्रेम को मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए केवल अलग था, अलग में नहीं था, तुम्हारे पास में बैठ करके तुम्हारी प्रेम को देख रहा था। और दुनिया में देखो अभी तुम तभी गोपी गीत को गाए जब मैंने यहाँ से अंतर ध्यान हुई, इसलिए तुम्हारी हृदय में जो प्रेम है ना, ये प्रेम को सारा दुनिया में दिखाना चाह रहा था, इनकी प्रेम कितने हाई था, इसलिए गोपियां मैंने कहीं नहीं गया।
तुम्हारे पास नहीं था, मेरे को ऐसे मत कहा करो। फिर भगवान महाराज करते हैं, जब महाराज करते फिर कृष्ण कैसे शंकर जी स्वयं गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन करने आते हैं। इतने में जब रास दर्शन करने के लिए आए, कृष्ण घटघटवासी सब जानते हैं, बोले रासों में आज कहीं आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति आ गए। ढूंढने लगे, देखा कुंज में एक नई कोई गोपी बैठी है। बोले भैया तेरे जेठ का नाम क्या, तेरे ननंद का नाम क्या, तेरे ससुर का नाम क्या? लेकिन वो तो गोपी नहीं, वो तो गोप है। गोप अभी गोपी बने। शंकर जी चुप रहे, बोले भैया यही आ गया कहीं से। शंकर जी को वहां से निकाले, अरे जोग माया आया, कृष्ण आए। कृष्ण बोले भोले तुम कैसे आए हो? बोले आपने जो बंसरी बजाए, ये बंसी ध्वनि कैलाश में भी पहुंचा, इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई तेरे रास दर्शन करे। बोले शंकर जी देखो गोपियों की भाव कितने उन्नत है। बोले ऊपर में तो तुमने गोपी रूप धारण की, लेकिन हृदय में ये गोपी भाव नहीं। ये गोपियों की भाव प्राप्त करना इतना आसानी नहीं। गोपी कोई स्त्री विशेष नहीं, गोपी एक भाव विशेष है। ब्रह्मा स्वयं कहते नारद जी मैंने 60,000 साल तक पर्वत बनकर तपस्या की ये गोपियों की भाव को प्राप्त करने के लिए। इसलिए गोपी मतलब गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, गुप मतलब रक्षण, गुप मतलब पालन, बहुत सारे अर्थ होता है। जिन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को कृष्ण सेवा में एकदम डुबो दिए हैं ये गोपियां हैं। इसलिए फिर शंकर जी को बोला आज से तुम गोपी सरस्वती के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो वृंदावन में आएंगे तेरे आदेश के बगैर वृंदा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वृंदावन जाओ तो जरूर श्री गोपीश्वर महादेव को दर्शन करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के दरबार है, इनका आज्ञा के बगैर अंदर में किसी की प्रवेश नहीं हो सकती है। बोले श्री गोपीश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हमारा बीच में एक छोटा बच्चा है, वो आपको थोड़ी सी कथा सुनाएगा। माइक चल रहा है? हाँ देखो ऐसे ही है, कोई लिखाई पढ़ाई नहीं कर रहा, लिखाई पढ़ाई कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं बता दो, बताइए। हरे कृष्णा, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया है, सेकंड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखो ये लिखाई पढ़ाई भी करता है, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। देखो तिलक लगाया, गले में तुलसी कंठी है। अब अभी देखोगे सारे लिखाई पढ़ाई भी करता है और उसको साथ में प्रभु की भक्ति भी करता है। इसलिए आप लोग भी पहला गुरु पिता माता है, पिता माता से ही पहले बच्चा सीखता है। अगर पिता माता भक्ति करेंगे फिर बच्चों को गुरु में भी वो संस्कार बढ़ते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भक्ति करो और अपने बच्चे को भी भगवान की भक्ति में बच्चे को भी लगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णु पाद अष्टोत्तरदश भक्तिविदान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद व्यास आसन पर हम लोग को कथा की दिव्य माधुर्य के लिए रस सुधा का पान कराते हुए श्री गुरुदेव, जिनकी दिव्य आभा से ही भागवत जी के दिव्य श्लोक जो हम लोगों के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम के दिव्य अमृत को उजागर कर रहे हैं, ऐसे श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ। उसके बाद आप समस्त यहाँ पर उपस्थित वैष्णव और वैष्णविया जो भगवान की दिव्य कथा का पान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी के चरणारविंदों में अपना प्रणाम करता हूँ। भैया हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोग इस कथा स्थल से संत के चरणाश्रित होकर के भगवान की दिव्य कथा और कथा सुधा को पान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, भगवान में भगवान नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान और भगवान की कथा में भेद नहीं है। भैया ये गुरुदेव क्यों बैठे, महाराज जी क्यों बैठे हैं हमें, क्योंकि हमारी सरस्वती जागृत हो जाए। सरस्वती क्या है, भगवान के हमारा ज्ञान क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, वास्तविक सरस्वती क्या है, यही वास्तविक सरस्वती है कि हम अपने अपने आप को जानें कि क्यों भगवान ने कृपा करके हम जीवों को इस धराधाम में आने का सौभाग्य दिया है, क्यों आए हैं हम। उपनिषद का श्लोक है के युरानिन भूषयन्ति पुरुषा हारो न चंद्रोज्वला नश्नानं न विलेपनं न कुसुमं। इसमें गलती कर देते हैं लोग, कहते तिलकम, अरे तिलक तो वैष्णव का प्राण है, कुसुमम
आलंकृतः मूर्धनः वाणी कः शमलं करोति पुरुषः यः संस्कृतं धार्यते क्षीरन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ऐत्रेय उपनिषद के तीसरे अध्याय का सातवां श्लोक, इसका अर्थ क्या है? यदि व्यक्ति केयु रानी न भूषयंती, हम लोग श्रृंगार करते हैं किस लिए, हम लोग गेटअप इंक्रीज करते हैं किस लिए, कि संसार जीत जाए। लेकिन वैष्णव अपना गेटअप करता है, वैष्णव अपना श्रृंगार काय से करता है? तिलक से, कंठी से, गुरुदेव के वरद हस्त से, उपस्थित कृपा की दिव्य आभा से। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कोई नई नई दुल्हन है और वो कमर तक घूंघट करके श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जाए, और श्री राधा गोविंद देव ने भी पर्दा लगा हो तो भी तो दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो पर्दा लगा हुआ है। लेकिन यदि गोसाई जी पर्दा खोल भी देते हैं उसके बाद भी दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो घूंघट है, वो घूंघट आ सकती है, वो घूंघट आ सकती है, तब कृपा कर, तब प्रार्थना करती है वो कि किसी दिन सद्गुरुदेव आकर के ऐसे रिझ जाए कि हमारे ऊपर पड़े हुए इस आसक्ति के घूंघट को अनावृत कर दे, जिससे हमें भी श्री राधा रमण के दर्शन का सत्सौभाग्य प्राप्त हो जाए। वही गुरुदेव की दिव्य कृपा है जो हम पर कृपा करके श्री गुरुदेव श्री भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। भैया एक मेरी दादी, जब मैं छोटा सा था तो मेरी दादी एक भजन गाती थी, गुरु के समान कोई दूसरा ना ज्ञान में, दाता के समान कोई दूसरा ना ध्यान में, ब्रह्म ते मिलावे गुरु पाप ते छुड़ावे गुरु, और कृष्ण से मिलावे गुरु वंशी जाके हाथ में, गुरु के समान कोई दूसरा ना ज्ञान में। भैया गुरुदेव के समान इस त्रिभुवन में दूसरा ज्ञान देने वाला नहीं है। हम लोग जो इधर मटेरियल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान तुच्छ है। मैं अभी हिसार था, मेरा पेपर था, और उसके बाद मैं जयपुर आया, अभी परसों ही आया हूँ जयपुर। जयपुर जब मैं श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन करके, शाम की जो झांकी है उसका दर्शन करके जैसे ही बाहर आया, मुझे बाद महाराज जी का उसी समय फोन आया था कि तुम कहाँ पे हो, तो मैंने बताया कि मैं गोविंद देव जी के दर्शन करके आई रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा था, महाराज जी ने बुलाया, देखो संत कितनी कृपा करते हैं, यदि वो सोचते, यदि देखो हमें पता, हम ये बात हम लोग को जान लेनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव को कुछ पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गुरुदेव सब जानते हैं। व्यक्ति भवसागर में गिरने को होता है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से सद्गुरुदेव उंगली पकड़ लेते हैं और व्यक्ति को भवसागर से पार ले जाते हैं। भगवान तक पहुंचाने का श्री गुरुदेव केवल एक मार्ग है, उसके अलावा कोई नहीं। हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए। भैया अब संतों की इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर संत विलुप्त होते जा रहे हैं, संत जाते जा रहे हैं, पर हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी हमारे पास हैं। भैया समय का कुछ पता नहीं है इसीलिए, और दोबारे का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मन से, अपनी वाणी से सद्गुरुदेव के चरणाश्रित होकर के बस इनकी कही हुई बातों को फॉलो करते जाइए। सही बात है, इससे ही कल्याण, गुरु के दिव्य वचनों से ही कल्याण, कल्याणौ दिव्य वचनौ गुरु, दिव्य गुरु के दिव्य वचनों से ही कल्याण होता है। क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, वे भगवान के गुणों की ऐसी चोट देते हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी भगवान की तरफ पहुंच जाता है। ये संत ही कर सकता है। यदि अन्यत्र कोई बोलता है तो बोलता बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बोलता बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो बातें लोगों के हृदय में तब तक नहीं घुसेंगी जब तक वो व्यक्ति साधन ना करता हो। इसलिए हम सबका कल्याण श्री महाराज जी के दिव्य मुखारविंदों से उद्भव हुई दिव्य कथा, भगवान के गुण। आपको पता है भगवान के जो गुण हैं, भगवान के गुण ऐसे हैं कि जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति है उसको भी एक बार के लिए सचेत कर देते हैं। आप पूछेंगे इसका उदाहरण कुंभकर्ण, रावण ने बताया ना कि भैया भगवान की राम, साक्षात राम आए हैं और राम ने ऐसे ऐसे सारी सेनाओं का संहार कर दिया। एक बार तो कुंभकर्ण भी भगवान के नाम में अत्यंत माधुर्य हो गया था। राम रूप गुण सुमीरत मगन भयउ जन एक, हरि बोल रावण मांगियो कोटि खग, मद अरु महिच अनेक सियाराम, मंगल भवन अमंगल
मंगलहारी जय जय राजा राम हरे द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी जय जय सीता राम हरे। भैया हमारा दिव्य सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान का दिव्य नाम, भगवान का नाम लेते जाइए, कथा सुनते जाइए और ऐसे ही कल्याण होता जाएगा, क्योंकि संत के बिना कल्याण नहीं है। संत अपनी कृपा से भगवान का, भगवान के दिव्य चरणाश्रितों तक, चरणारविंदों तक पहुंचा देता है। हमें इस केवल वहां तक ही जाना है, बस इसी के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। हाँ देखो, हम लोग ने सात सात दिन तक कथा सुनी, यहाँ से कुछ लेकर भी जानी चाहिए, खाली हाथ से यहाँ से नहीं जानी चाहिए। नियम है कुछ दो और कुछ लो, कुछ दो और कुछ लो। बोले क्या दे करके जाएंगे? बोले जितने गंदी चीज उसको दे कर चले जाए। बोले लेकर क्या जाएगा? बोले ठाकुर प्रेम को लेकर के जाओ, ठाकुर जी की भक्ति लेकर के जाओ। बोले चार चीज हमें त्याग करनी चाहिए। पहले हम लोग ने श्रवण किया था, श्री परीक्षित महाराज कली को चार जगह पर स्थान दिया। मतलब है कली युग में केवल चार नियमों को पालन करें और थोड़ी सी प्रभु की भक्ति कर दे, बस हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। चार चीज क्या है जहाँ पर ये कली, मतलब झगड़ा अशांति दुख का निवास है? पहले मैंने बताया था और एक बार दोहरा देता हूँ। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण होता है सत्य, इसलिए जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते। देखना झूठ के बाद में झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज क्या दिया, देखो मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हूँ। राज्य गया, भाई गए, हरि सभा में पत्नी की विवस्त्रता देखना पड़ा और 13 साल तक जंगल जंगल में भटके, कभी जुए में हाथ कभी मत लगाओ, है। इसलिए दूसरा नंबर है दुतम पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीजों को नहीं लेनी चाहिए। मैंने पहले बताया था ना, शराब पीने वाले का कितना लाभ होता है? कितना लाभ होता है भूल गए हो? तीन लाभ होता है शराब पीने वाले। बोले तीन लाभ क्या है? पहला लाभ वो बुरा नहीं होगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ कुत्ते दोस्त बनेंगे, है। पहला लाभ क्या? बोले बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा? जिंदा हो तभी तो बूढ़ा होगा, और पी पा करके आधा उम्र में ही खत्म हो जाएगा। मैं रशिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहाँ देखता हूँ ज्यादा ज्यादा लड़कियाँ लड़कियाँ। मैंने कहा भैया इतना लड़की यहाँ पर इतने क्यों, पुरुष लोग कहाँ हैं, अब बूढ़े सब कहाँ हैं? बोले ये बचपन से शराब पीना शुरू कर देते हैं, है, और शराब पी पी करके आधा उम्र में ही सब खत्म हो जाते हैं और इनके सारे पुरुषत्व खत्म हो जाते हैं इनके। इसलिए शराब हमें नहीं पीनी चाहिए। कहते चोरी नहीं होगा, बोले चोरी कब होगा? कुछ हो घर में तभी तो चोरी होगी, वो पीपा अगर सब खत्म कर देगा। तो कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पीपा अगर पड़ा रहेगा और जाकर के कुत्ते मुंह चाट करके चले जाएंगे पैसे। ये चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो, हाँ देखो, और एक चीज नहीं लेनी चाहिए, और एक चीज आपको नहीं लेनी चाहिए। बोले क्या? बोले चाय भी नहीं लेनी चाहिए। बोले भैया चाय में क्या दोष है, ये चाय में क्या रखा हुआ है? देखो चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन उसमें एक निकोटिन कफीन डालते हैं, इसमें दोष, लेकिन चाय पत्ते में कोई दोष नहीं। देखो पहले भारत में, आप बड़े बूढ़ों को पूछ लो, पहले भारत में चाय नहीं पीते थे। ये अंग्रेजियों ने अपना बिजनेस को चालू करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैंने पहले बताया था। बोले देखो एक कप जो चाय पिएगा ना, एक रुपया 25 पैसा मिलेगा। बोले एक रुपया 25 रुपये पर चाय मिलेगा? बोले हाँ, हम बेगू बन गए, पीना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बोले नहीं, 1 रुपया मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, 1 रुपया मिलेगा फिर चाय। कुछ दिन बाद में बोले नहीं, 75 पैसा मिलेगी। बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिलेगा। बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद बोले 25 पैसा मिलेगा। बोले कोई बात नहीं। बोले भैया अभी कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, पीना तो पियो, नहीं पियो तो मत पियो। अभी हम आदत में पड़ गए हैं, क्योंकि उसमें आप देखना जो शराब पीता है ना, शराब पीने का समय आए, अगर शराब नहीं पिए ना, घबराहट आना लग जाती है, शरीर कांपना शुरू कर देती है ना। आप देखना जो व्यक्ति चाय पियो हो, आप चाय मत पियो, चाय का टाइम पर क्या होता है बताओ, आप लोग भी बताओ।
क्या होता है बताओ? ग्रंथि। हाँ, क्यों को चहर है, वो चाय नहीं, हम चहर पी रहे हैं। उसको बाद में बोले देखो अभी आपको 25 पैसा देना पड़ेगा, नशा तो बन गया ना, बोले कोई बात नहीं, बोले फिर 50 पैसा देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ले 1 रुपया, कोई 10 रुपया निकाल। बिना कारण कारण हमसे 10 रुपया निकाल रहे हैं, और उनका बिजनेस भी हमने चला दिया और अपना 10 रुपया भी। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे सवेरे 1 कप चाय पी लो, दोपहर तक चिंता नहीं, 1 कप चाय से पेट भरता है, इतने से देखो इतना। लेकिन उसमें कैफीन और निकोटीन है, वो भूख को खत्म कर दिया हमारी। अरे भूख लग रहा है, रोटी खाओ ना, दाल खाओ, सब्जी खाओ, मीठा खाओ, कितना चीज खाने के लिए, ऐसे नहीं जहर पियो और अपना भूख को खत्म करो। इसलिए कोशिश करना, जैसे हर्बल टी है, गोकुल टी है, हाँ ग्रीन टी, इसको पियो जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। कहते ये नस्ली वस्तु सेवन करने से कहते तपस्या नष्ट हो जाती है। तीसरी वस्तु स्त्रियों, कहते ये कली स्त्रियों में निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों में? बोले बिना विवाह के जो स्त्री पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये शास्त्र स्वीकार नहीं करता। शादी करके पति पत्नी को साथ में, धर्म को साथ में, बगैर शादी के उसको साथ में घूमना, ये सब चीज हमारे शास्त्र का विरोध है। यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा चीज है, बोले जीव हिंसा, हमें जीवन में जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे मांस मछली आदि, हमें अंडा फंडा, देखो आप लोग तो सब संस्कारी लोग हैं, आप लोग सब अग्रवाल परिवार है, अलग अलग सब परिवार होंगे, सब अच्छे अच्छे संस्कारी लोग होंगे, इसलिए आप लोग घर में सब चीज नहीं घुसता होगा, मांस मछली नहीं घुसता होगा, बहुत अच्छी बात है। तब भी कोशिश करना, ये कलयुग का प्रभाव से ये सारी चीज गलती चीज आने लग गया घर में, हाँ? लेकिन आप लोग ये सब चीजें दूर रहना। देखो कल मैंने ये घर में इनको बच्चों को मैंने समझाया था, आपको भी 2 मिनट थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोग भी ये चीज को अच्छी तरह समझ लो, बढ़िया तरह समझो, जैसे खुद समझना और दूसरों को चीज समझा सकते हो। मैं साइंटिफिक रूप में कोई चीज समझाना चाह रहा हूँ, आप अच्छे तरह से चीज को समझो। कभी कभी हमारे मन में भ्रम होता है, बोले भैया मांस मछली नहीं खाए तो शरीर में ताकत कैसे आएगी, कमजोर नहीं हो जाएगी। कभी कभी हमारे मन में ये शंका आती है, आप अच्छे तरह से समझे चीज को। एक तरफ में वेजिटेरियन, एक तरफ में नन वेज, कुत्ता क्या खाता है? नन वेज। अब देखना जब कुत्ता थोड़ी सी भागता है वो हाँपने लगता है, देखना सोया हुआ होगा तब भी वो हाँपता हुआ देखोगा। आप डिस्कवरी खोल करके देखो, एक बाघ को देखो, एक शेर को देखो, हैं? देखना जब बाघ एक बार मांस खाता है 4-5 दिन तक उसको हजम करने के लिए एकदम जीभ निकाल करके उसको हजम करने के लिए सोना पड़ता है। शेर को देखना हाथ ऐसे क्या होगा, पंजा हाफता हुआ उसको देखोगे, ये सब के सब नन भेज है। अभी देखो वेजिटेरियन देखो, एक घोड़ा क्या खाता है बताओ? घोड़ा क्या खाता है? चने खाते हैं। जब हम किसी मशीनी को साथ में उदाहरण देते हैं, किसको साथ में उदाहरण देते हैं, कितने हर्ष पाव है ना, कुत्ते शेर बाघ को साथ में नहीं, रेस किसकी होती है? घोड़े की। आप वृंदावन में गए होंगे, वहाँ घोड़ा गाड़ी है, देखना 10-10, 15-15 व्यक्ति को बैठा करके घोड़ा भगाते हुए ले जाता है, हाँ इतने लोगों को। आप बताओ एक बैल क्या खाता है? घास खाता है। देखना खेती में रोज दिन भर एक बैल काम करता है। आप बताओ एक हाथी क्या खाता है? घास खाता है। हाथी जैसे इतना बड़ा कोई शरीर है, बलवान कोई है। एक गधा क्या खाता है? घास खाता है ना। हम कहते हैं भैया तू गधे जैसे दिन भर काम करते रहे, हैं? इसलिए यहाँ पर दिखाया है जो वेजिटेरियन है उनको शरीर में ज्यादा शक्ति, नॉन वेज का शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं। देखो हमारी जो शरीर बना है ये वेजिटेरियन बना, नॉन वेज नहीं। बोले कैसे? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? ये चीज को सुनो और दूसरों को समझाने के लिए कोशिश करना। देखो हम चाहते हैं आप 7 दिन में इतने ज्ञान को प्राप्त करो, स्वयं भी ज्ञानी बन जाओ और दूसरों को भी समझा सके, अच्छे तरह से समझो ये शरीर हमारी कैसे वेजिटेरियन, नॉन वेज कैसे नहीं। हमने जैसे कुत्ते बाघ शेर इनके दांत कैसे है बताओ? इनके दांत कैसे? नोकीले नोकीले। क्यों? ये मांस खाएंगे, इसलिए ठाकुर उनको दांत वैसे बनाया, पकड़ करके बिना धोए बस कौन समय खा सकते हैं? हम खा सकते हैं इतने बड़े टुकड़े मांस खा सकते हो? खा नहीं सकते। क्यों? वो हमारा भोजन नहीं, वो भोजन जानवर उनका भोजन है ना। इसलिए दांत, हमारे दांत कैसे देखो,
अभी घोड़ा का बात बताए ना, बकरी घोड़ा बैल इनका दांत देखो, गधे दांत कैसे हमारे देश दांत है, क्योंकि भगवान ने हमें वेजिटेरियन बनाया इसलिए दांत भी वैसे बनाया, लेकिन हम वेजिटेरियन बन करके नॉन वेज खा रहे, मतलब ये गलती चीज है, गंदी चीज है। आप देखना जितने नॉन वेजिटेरियन है, कुत्ते बाघ, देखना पानी कैसे पीते हैं, अब देखो पानी कैसे पीते हैं, कैसे पानी पीते हैं, जीभ जीभ निकाल करके पानी पीते हैं, लेकिन जितने हम वेजिटेरियन नाम बताया इनको देखो पानी कैसे पीते हैं, मुंह में लगा करके पानी पीते हैं। जितने नन भेज हैं देखना रात को इनकी आंख जलती रहती है, अब कुत्ते को देखना, बिल्ली को देखना, शेर को देखना, और जितने वेजिटेरियन नाम बताया इनका आंख नहीं जलती, हमारी आंख भी नहीं जलती है, क्योंकि भगवान हमें वेजिटेरियन बनाया ठाकुर जी हैं। और एक चीज देखो, पहले जितने नन वेजिटेरियन है कहते पेट में जो उनका आंत होता है केवल 2 मीटर होता है, केवल 2 मीटर, हमारे आंत कितने 6 मीटर है, 6 मीटर हमारे, जितने मैंने वेजिटेरियन नाम लिया सब 6 मीटर है और इनका 2 मीटर है, क्यों जल्दी खाए और जल्दी निकल जाए हैं। और हमारी जितने हजम शक्ति उनको 10 गुण ज्यादा हजम शक्ति, इसलिए वो कच्चा मांस खा करके भी उसको हजम कर देते हैं, लेकिन हम ये चीज को हजम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं। आप लोग इंटरनेट खोलिएगा, आप इंटरनेट में जाकर देखिएगा, पृथ्वी में सबसे ज्यादा कैंसर और हार्ट अटैक कौन देश में, अब देखना जिस देश में ज्यादा नन भेज के लिया उसी देश में ज्यादा बीमारी ग्रस्त कौन सा देश में, बोले उन्हीं देश में जिसको देश में ये सब नन भेज करने वाले, क्योंकि हमारा शरीर का भोजन ही नहीं, ये जानवरों का भोजन ही हमारी भोजन नहीं। अब इंटरनेट में देखिएगा उसमें 2 चेहरा दिया है, हमने देखा एक वेजिटेरियन एक नन वेज, दिखाया जो नन वेजिटेरियन वो जवानी में थोड़ा मांस फांस खाकर शरीर को फुला देते हैं, जब थोड़ी सी उम्र ढल जाता है ना जल्दी से अगली और जल्दी से जल्दी बूढ़े बन जाते हैं, लेकिन इसमें दिखाया जो वेजिटेरियन है जवानी में जैसे है बूढ़े को उम्र में भी तक उनका शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब राजस्थान में उधर जाकर देखना बूढ़े 80-90 साल का व्यक्ति खेती में काम करते हैं, लेकिन जिस देश में ज्यादा मांस मछली खाते हैं 60-70 साल में बूढ़े होकर राम नाम सत्य हो जाते हैं, वो जल्दी भी मरते हैं, क्यों एक तो पाप कर्म करते हैं, फिर ये सब चीज खाने से ये शरीर इसको सूट नहीं करता, इसलिए जल्दी मरते भी ये लोग जल्दी मरते हैं। देखो इसमें बताओ 1 किलो मांस का किलो कितना है, 400, 500, 600, 1000 तक है, फिर मसला फसला दे दा करके कितने पैसा 1000 रुपया 1 किलो मांस लाओ खत्म, आप 1000 रुपया में 7 सब्जी लेकर गया बताओ कितना दिन जाएगा, बोलो कितना दिन जाएगा, कितना दिन जाएगा, एक हफ्ता जाएगा, आपको पैसा भी कम हो गया खर्चा भी, फिर शरीर भी सुस्त रहेगा, शरीर भी सुस्त रहेगा। और आप लोग जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जितने बड़े बड़े फिलोसफर आइंस्टाइन न्यूटन इनका जीवन पढ़कर देखिए, ये सब के सब वेजिटेरियन थे, कोई नॉन वेज नहीं था। अब इनका जीवन महात्मा गांधी देख लो, ये सब के सब वेजिटेरियन हुए, कोई नॉन वेज नहीं थे। हमारे मन में भ्रम है ना, अरे नॉन वेज नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कहां से आएगी, कमजोर हो जाएगी, नहीं कमजोर नहीं आएगी शरीर में, ज्यादा आपको हेल्थ आएगी। देखो मैं तो सारा दुनिया में प्रचार करने के लिए जाता हूँ, हमारे जो बड़े गुरु जी के शिष्य है ना जहाँ जाता है वहीं पर क्लास में सबसे फर्स्ट आता है, ये बच्चे लोग फर्स्ट आता है हर क्लास में, क्यों देखो जब हम नॉन वेज खाते हैं ये शरीर उसको सूट नहीं करता, इसलिए उसको हजम करने के लिए तुम्हारी जितने एनर्जी को वही ले लेता है, लेकिन जब आप वेज खाओ वो आसानी से पेट में डाइजेशन हो जाती है, इसलिए शरीर को ज्यादा ऊर्जा, दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं है? जो व्यक्ति वेजिटेरियन बनते हैं। और एक कारण बताए कहा जा रहे, बैठ 2 मिनट बैठो, कोई स्वर नहीं हो तुम बैठ जाओ, तुम सब समझो घर का तुम सदस्य हो, इसलिए कल तो तुम्हारे एक भैया को मैंने समझाया था, इसलिए। और एक चीज को समझो, देखो हम तो कोशिश करते हैं आपको कुछ समझाने के लिए, हम चाहते थोड़ा समय जाए, इतने कथा हुई इतना पैसा खर्चे हुई, कुछ बच्चों को पर अच्छे संस्कार कुछ पड़े, हम तो जितना हो सके आपको थोड़ी सी अच्छी चीज समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखो इसका नाम है मांस, अब संस्कृत पढ़े हो कोई को थोड़ी बहुत, कौन कौन संस्कृत पढ़े हो, देखना ये संस्कृत शब्द है, मांग मतलब होता है मुझको, सह मतलब होता है वह, मतलब अभी तुम जिसको खा रहे हो बाद में तुम्हें जो खाएगा, इसलिए अंग्रेजी में कहते मीट, मीट ईट, मी मतलब मुझो, मुझको, ईट मतलब होता है खाना,
मतलब अभी जिसको खाते हो तुमको जो बाद में वही खाएगा। देखो ये भागवत का श्लोक, ये कृष्ण खुद कह रहे हैं, ये श्लोक है, बोले जे तो नहीं बम विदा संतु सदा सदा विमानी न पसुन दुर्धती। कृष्ण खुद कह रहे, बोले अर्जुन हे उद्धव, इसी जीवन में जो जिसको काट कर खाता है अगले जीवन में फिर वही उसको काट कर खाता है। भगवान कृष्ण खुद कह रहे थे ना, भागवत में कथा आती सूरत राजा की, कहते ये सूरत राजा ये यज्ञ में पशु वध करता था। एक दिन नारद जी से मिले, नारद बोले तू क्या कर रहे हो, बोले वेद में बताया यज्ञ में पशु वध करनी चाहिए, बोले इसका फल क्या जानते हो, बोले क्या फल है, बोले अभी तुमको दिखाता हूँ देखो। कमंडल से पानी लिया, उनको सर पर जब छिड़काव करवाया ये शरीर छूट गया, देखा तीन जमदूत उसको घिसड़ते हुए ले जा रहे, और जितने जानवर को उसने मारा था तलवार लेकर के लाज से खड़े हुए। बोले भैया तुम लोग कौन हो, बोले याद है पहले जन्म में तुमने हमें काट कर खाया था, याद है, बोले याद है, बोले पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, तुम इधर आ जाओ। उसका शरीर को उन्होंने गोटी गोटी पर काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ दो और नहीं करेंगे। बोले तुम भी कभी हमें मार कर खाया था, पाप इसी को नहीं छोड़ता है। जब नारद जी फिर उन्होंने पानी छिड़काव करा जिंदा हो गया, वो इसी से कांप रहा था, बोले क्या देखा, बोले तो मैं सोच रहा था मांस खा लिया हो गया, बोले नहीं मैंने देखा ये सबके सब मेरे को टुकड़े टुकड़े काट रहे थे मेरे को। कर देख बेटा कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। एक अब गेंद लो दीवार में मारो क्या होगा, झटच करिए आप सने, आपको एक थप्पड़ मारूंगा छठा दो थप्पड़ मारूंगा। जितने जीव है सबके सब ठाकुर के बच्चे है ना, भगवान के सबके सब बच्चे हैं, केवल हम ही उनकी बच्चे नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है नहीं किसी भगवान के बच्चे को काट करके नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कोशिश करना जैसे आप लोग वेजिटेरियन बनने के लिए, ठीक है। हाँ देखो और एक बात बताता, आप लोग बुरा नहीं मान रहे, तो बुरा तो नहीं मान रहे हो, इसलिए आप बुरा मत मानो, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप लोगों में समझाने के लिए, कोशिश आप मानोगे। बोले मैं तो तुमने काट दिए मेरे चरण में गिर रहे हो। कृष्ण गीता में कहते हैं जो मांस मछली खाते हैं और मेरे पूजा करते हैं जैसे राख में घी ढालना उसका बेकार है, उनकी भक्ति भी बेकार है, वो भक्ति भक्ति नहीं है। देखो और एक चीज को समझो, जहाँ पर डेड बॉडी को काट देते हैं बताओ उस स्थान को क्या कहते हैं, आप लोग बताओ जहाँ पर डेड बॉडी को काटते हैं, आप जोर से बताओ, शमशान बोलते हैं। जब मांस मछली डेड बॉडी जब उसको खा करके पेट में डाल दिया तुम्हारी शरीर क्या हो गई, आप बताओ क्या हो गई। जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं वो स्थान को क्या कहते हैं, अगर हमारा घर में डेड बॉडी आकर जलने लग गया उसको पकाना लग गया फिर घर में क्या हो गया, ये संत लोग समझाना चाह रहे हैं। फिर जब देखना घर में जब कोई मरता है ना हम पूरा परिवार को बुलाते जितने जल्दी से जल्दी वो घर से निकालते ना, जितने जल्दी से घर से निकालो क्योंकि ये सब है डेड बॉडी को सब कहते हैं। फिर 13 दिन तक अशुद्ध हम रहते हैं ना 13 दिन तक, लेकिन अगर फिर डेड बॉडी को घर में ले आओ फिर फ्रिज में भर कर रख दो, फिर फ्रिज में भर कर, ये अच्छी चीज है बताओ लोग, ये अच्छी चीज है। डेड बॉडी को छूने पर हम स्नान करते हैं 13 दिन तक अशुद्ध रहते, फिर देखो ये संत लोग तो हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ संत लोग हमारे गुरु वर्ग से हमने इसको कथा सुनी है, इसका मतलब है ये चीज गंदी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है, इसलिए खाओ। देखो हमारे गुरु जी कहते थे भगवान ये शरीर को पूरा ही बनाया, आधा नहीं बनाया, दो आंख पूरा दी, दो कान पूरा दी, दो हाथ पूरा, सब कुछ भगवान पूरे दिए, लेकिन केवल इतनी सी स्थान ठाकुर ने छोड़ा है, खाली छोड़ा, कौन सा जगह बताओ, केवल पेट, इतनी सी जगह ठाकुर छोड़ दी। और उसी के लिए ठाकुर जी कितने तरह का फल फ्रूट बनाया, कितने तरह का वेजिटेरियन देखो, कितने ड्राई फ्रूट, कितने तरह का फल, गेहूं, भगवान क्या क्या नहीं बनाया, केवल इतने जगह को भर, हाँ उसको भरने के लिए। लेकिन भगवान गंदी चीज ऐसे नहीं, केवल गंदी चीज से ही वो जगह भरती कर, नहीं अच्छे चीज से भर तो भगवान के प्रसाद को देकर भरना ठाकुर जी की, हाँ प्रसाद, इसलिए इस चीज अच्छी चीज नहीं। इसलिए हम तो समझाने के लिए आपको कोशिश की, जिस आपको अच्छा अगर लगे तो आप लोग पालना करना जीवन में, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी वृंदावन की जय, जय श्री राधे। मैंने पहले आपको बात बताया जब परीक्षित महाराज ये कली को चार ही जगह पर स्थान दी तभी ये कली संतुष्ट नहीं हुआ, बोले मैं कहाँ कहाँ भटकते रहूं, कौन जुआ खेलता, कौन बेसिया घर में जाता है,
कौन मांस खाता है, मेरे को ऐसे एक जगह दे दो जहां पर सारी चीज मिल जाए। तो उन्होंने पैसा ये सुवर्ण में स्थान दे दिया, ये पैसा में उन्होंने स्थान दे दिया। मतलब है आप देखना ये जितने सारे गंदी चीज है जहाँ ज्यादा पैसा वही पर होता है। बताओ जुआ कौन खेलेगा, शराब कौन पिएगा, है ये बेस्या घर में कौन जाएगा, मांस 5,000 रुपया देकर कौन खाएगा, ये सारे पैसा में ये सारे पाप है। प्रश्न है पैसा तो लक्ष्मी, पैसा लक्ष्मी पर लक्ष्मी में कैसे निवास हो गई। इसलिए पहले मैंने आपको समझाया था लक्ष्मी की दो बाहर है, एक उल्लू और एक है गरुड़। उल्लू के ऊपर में लक्ष्मी केवल अकेली बैठती है। मतलब है जब हम लक्ष्मी को घर में बुलाए, माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों बोले तेरे को भोग करने के लिए, उसमें उल्टा पुलटा चीज खरीदी करें, खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, लक्ष्मी को हम भोग कर सकते हो? लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी नारायण भोग कर सकते हैं। जब उसको खुद भोग करने के लिए बुलाओगे, बोले मेरे को भोग करने बुला रहे हो, वो उल्लू के ऊपर बैठ कर आती है और जितनी लड़ाई झगड़ा अशांत दुख कष्ट को सारे घर में लेकर आएगी। भले ही पैसा हो जाएगी लेकिन वो घर में शांति सुख नहीं आएगी। क्यों? आप उसको भोग करना चाह रहे हो लक्ष्मी को। लक्ष्मी तुम्हार नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की है। बहु बहु में भाई भाई में लड़ाई, तरह तरह का बीमारी मामला मकदमा ये सब चीज गंदी चीज ले आई। हाँ लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों? लक्ष्मी नारायण की, उनकी सेवा के लिए घर में बुलाओ। माँ लक्ष्मी आओ, क्यों तुम ठाकुर जी की, ठाकुर को सेवा के लिए बुला रहे। फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। गरुड़ वैकुंठ में रहता है, फिर हमारे घर को वैकुंठ बना दे, घर को हमारी वो वैकुंठ बना दे घर को। घर में इतने शांति सुख आएगी जो कभी सोच भी नहीं सकता। बोले क्यों? लक्ष्मी को आप भगवान की सेवा में लगा रहे हो। इसलिए क्या करना है, घर में जो कुछ खाना बनता है पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी पत्ता से ठाकुर को भोग लगाओ। सारी चीज पैसा से खरीदी की है, पैसा से खरीदी की है। जब वो चीज भगवान की भोग, गोपाल की भोग में लग गया, कृष्ण नहीं तो राम में भोग में लग गया, लक्ष्मी क्या होगा, ठाकुर जी की सेवा में लग गई लक्ष्मी, फिर आपको खूब शांति सुख मिलेगी। गणना देखना इतने शांति इतने सुख मिलेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस सब हो जाए अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाना खाते हैं घर का सारे दुख खत्म हो जाते हैं, और मेरे को जो भोग नहीं लगाते हैं बोले भुंजन पे तो अघम, वो केवल पाप भोजन करते हैं, हैं? इसलिए आप कोशिश करना घर में जो कुछ बने ठाकुर जी को भोग लगा। हम कहते हैं ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा, ये चीज को समझ लो। जैसे हम खाएंगे हमारा मन भी वैसे बनेगा। अगर प्रभु का प्रसाद से अगर शरीर बनेगा ना, इतने शांति इतने सुख घर में आएगी। लेकिन एक समस्या आएगी, अगर प्याज लहसुन खाओगे फिर भगवान भोग नहीं रह सकते हो। इसलिए ये चीज भी हमें त्याग देनी चाहिए। यही चीज सबसे बड़ी बाधा है हमारे प्याज लहसुन। मैंने पहले समझाया था ये प्याज गैया की मांस से और हड्डी से ये लहसुन बना हुआ। नवरात्र रखते हो आप लोग सबके साथ, 9 दिन तक खाते हो सबके साथ? नहीं खाते हो। बोले क्यों? बोले माँ को पसंद है, माँ को ये चीज पसंद नहीं। इसलिए इतनी चीज अगर छोड़ दोगे फिर तो रोज रोज भगवान भोग लगा करके आप भगवान की प्रसाद खा सकते हो। देखो ये चार चीज को छोड़नी चाहिए, लेकिन भागवत से चार चीज लेनी चाहिए। बोले चार चीज क्या ले? बोले पहला चीज आप लीजिए भागवत से, भगवान की घर में हर घर घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा होनी चाहिए। घर घर में ठाकुर होएंगे, घर में हर घर में ठाकुर जी की मंदिरी हो। सवेरे नहा धो करके ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर का श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी को आरती उतार, हर घर घर में ठाकुर जी की, कहते ना घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन आने को। हर घर घर में ठाकुर का सेवा पूजा होनी चाहिए। ठाकुर का सेवा पूजा होगा तो उनका आशीर्वाद से घर में शांति और सुख बनी रहेगी। देखो एक समय हम ये ठाकुर को पत्थर नहीं समझ लें, ये ठाकुर जी को ठाकुर माननी चाहिए। ये हमारे गुरु जी सुनाते थे, एक समय अयोध्या में कोई एक गुरु जी थे, उनका कोई छोटा बच्चा था शिष्य, उसका नाम था रामदास। गुरु जी ने कहा बेटा मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ठाकुर को सेवा कर लो राम दरबार की। बोले गुरु जी आपका आदेश है, सेवा कर लूंगा। बोले बेटा ठाकुर को ठीक से खिलाना। बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। गुरु जी जब चले गए, वो छोटा बच्चा था, उनको ऐसे लगता था जैसे हम बैठ कर खाना खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे खाना खाते हैं। ठाकुर का सामने रोटी सब्जी धर दिया, बोले ठाकुर बैठो, पीढ़ी दे दिया, बोले ठाकुर बैठो और खाना खाओ। लेकिन देखा और ठाकुर बैठ नहीं रहे। बोले क्या मेरे से नाराज हो? गुरु जी बोल करे गए अच्छे तरह से ठाकुर को खिलाना।
ये तो गुरु जी नाराज होएंगे, बोले आओ उतरो पीढ़ी में बैठो भगवान राम को बोले खाना का। तब भी भगवान उतर नहीं रहे थे, बोले ठाकुर जी अगर नहीं उतरोगे ना, अब अयोध्या गए होंगे, वहां सरजू नदी बह रही है, बोले ये सरजू नदी में फिर तुम्हें आत्महत्या करूंगा। वो बच्चा जब आत्महत्या करने के लिए गए, भगवान राम हिल गए ठाकुर जी इसकी भक्ति भावना देख करके। हनुमान जी को बोले बेटा जाओ उसको पकड़ करके लाओ। वो छलांग लगाने जा रहा था, हनुमान जी पकड़ लिए, बोले ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। सचमुच से देखा प्रभु राम खाना खा रहे थे, मैया सीता जानकी खाए, फिर लक्ष्मण, फिर ये लास्ट में खाए। जब दो चार दिन सेवा की, बोले गुरु जी, बोले ठाकुर जी मेरे से और इतना नहीं हो पा रहा, अकेला भिक्षा करके लाओ, अकेला लकड़ी लाओ, खाना बनाओ, फिर भोग लगाओ। राम बोले बताओ मेरे कुछ करना पड़ेगा। बोले तो आप तो घर के पिता हो, आपको ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी बोले पत्ता तोड़ा बना दो, मैं कर दूंगा। लक्ष्मण बोले बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा। बोले आप जंगल से केवल सुखी लकड़ी थोड़ा ले आना। बोले जिंदगी भर तो यही काम मैंने किया है, अब देखना वनवास में लक्ष्मण यही काम करता था। इतने में जानकी बोली बेटा मेरा क्या काम। बोले आप तो घर की माँ हो, घर की माँ क्या करती है, घर में खाना बनाती है। बोले आप थोड़ा खाना बना देना। बोले मैं तो यही काम की जंगल में। श्री हनुमान जी बोले मेरा, बोले आपका सारा बाहर का सारे काम देख लेना। बोले भैया चौकीदारी का काम तो जिंदगी भर किया है, अभी केवल ये भिक्षा करके लाता है ना, और रोज इतनी अच्छी सेवा हो रही थी। इतने में गुरु जी के एक लेटर आया, बोले बेटा हम अमुक दिन आ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ संत आने वाले, केवल एक टाइम के लिए तुम थोड़ा खाने का व्यवस्था कर देना, फिर हम आकर सब देख लेंगे। उन्होंने पत्र माँ सीता को दिखाया, बोले माता जी देखो गुरु जी पत्र आया। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, ज्यादा थोड़ा भिक्षा करके ले आना, मैं तो खाना बना ही दूंगी। तब उन्होंने पत्र लिखा गुरु जी के पास में, गुरु जी कोई चिंता मत करो। लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आते हैं, मैया सीता खाना बनाती हैं, हनुमान जी सारे साथ देख लेते हैं, और राम जी पत्तल और धुना बनाते हैं। बढ़िया से खिच सेवा हो रहा है, केवल मैं भिक्षा करके लाता हूँ। लेकिन गुरु जी को तो पता नहीं है सब बात। गुरु जी बोले इसमें पागल है क्या वो लिखा है सब। गुरु जी तो पागल है समझे, और बड़े सोच सोच करके आ रहे थे, पता नहीं क्या किया क्या नहीं होगा। सचमुच से आकर के देखा, वहां पर इतने तरह तरह का खाना बनी हुई, और माँ सीता कोने में बैठी करके सेवा कर रही, रसोई बना रही थी माँ सीता, और इतनी तरह तरह का अन्न व्यंजन बनाई हुई थी। जब गुरु जी ने देखा इतने सारे खाना कहाँ से आए, देखा माँ लक्ष्मी बैठी करके खाना बना रही है। इतने में गुरु जी को देखते ही, लेकिन वो बच्चा इसका मन सरल है, अब गुरु जी आए, मैया ने थोड़ी सी मुस्कुराई और अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, पूछा बेटा ऐसे कैसे हो गया, तो उन्होंने सारे बात को बताए। गुरु तो बोले भैया गुरु तो गुरु बनकर रह गया, और जो चेला है वो चेनी बन गया, गुरु जी उसके चरण में गिर पड़े। इसलिए एक भजन है ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नाचते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी विश्वास होनी चाहिए। इसलिए बोले विश्वास की बहुत हमारे अंदर में पूर्ण विश्वास हो, कमी हो तो फिर तो नहीं होगा है। भगवान सब कुछ भक्त के लिए करते हैं। इसलिए घर में ठाकुर जी को ठाकुर समझो, ये मत समझो फॉर्मेटिकली बैठा हुआ थोड़ी कुछ देख रहा है। दिन में तो दो बार खुद कपड़ा बदला रहे हैं, और ठाकुर जी 10-15 दिन में बैठे हुए एक कपड़े में, और उनको घर में बैठ कर हम पहले बताए ना, तो हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं। बोले कैसे, बोले थोड़ी सी चाना नहीं तो मिठाई रख देते हैं, बाद हम घर में प्याज लहसुन डाल कर चकाचक खाना खा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, घर में जो चीज बने शुद्ध रूप में बने, ठाकुर जी को भोग लगे और सबको खाना खिलाओ। अब स्वयं देखना जब भगवान के प्रसाद घर में पाएंगे ना, घर का परिवेश संपूर्ण बदल जाएगी। केवल 7 दिन करके देख लो, जो चीज घर में बने ठाकुर को भोग लगे, सबके सब घर में प्रसाद पाए। देखो जैसे ये माता जी घर में जैसे कथा हो रही है, खाना बन रही है, क्या खाना आपको अच्छी नहीं लग रही है? आप लोग बताओ, जैसे घर में रोज खाना बनती है, अब देखना कोई कोई तिथि अच्छी तिथि कोई आ जाए, जिस दिन ठाकुर को भोग लगता है, देखना रोज जो खाना में जो स्वाद है, जो एक अलग तिथि में देखना स्वाद उसमें संपूर्ण बदलाव हुआ होता है, बता कि नहीं ठाकुर का, क्योंकि भगवान की प्रसाद है, ठाकुर जी की प्रसाद है। ठीक है ना, घर में ठाकुर होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज है, घर में आप लोग सब एकादशी व्रत रखना, ठीक है ना। इसलिए भागवत में और कोई बार व्रत का नाम नहीं आती है, इसमें एकादशी कथा आती है, और एकादशी को तिथि को बताया कि कल्प वृक्ष
प्रत्यय। कल्प वृक्ष मतलब है आप जो कुछ मांगोगे एकादशी तिथि करके सब कुछ फल मिल जाएगी। जैसे आप लोग कभी सोम रखते होगे, मंगल अलग अलग व्रत रखते होंगे, आप लोग कभी एकादशी अगर पुस्तक कहीं मिले आप लोग पढ़ करके देखेंगे। एक एकादशी जिसका नाम मुख्यधा, मतलब जिसको करने पर जीव को जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, जिसके घर में संतान नहीं एकादशी का तो पुत्र मिलेंगे। एक का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जो एकादशी करने से घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक का नाम पाप मोचनी, मतलब जो एकादशी करने पर सारे पाप नष्ट हो जाती है। आप एकादशी ग्रंथ को पढ़ करके देखे ना, हर व्रत का अलग 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 फल है। एक समय एक राजा रानी थे, दोनों में किसी कारण से लड़ाई हो गई, उन्होंने खाना बंद कर दिए, लेकिन अनजान में एकादशी व्रत हो गई और अगले जीवन में राजा रानी बनकर के जन्म लेते हैं। राजा रानी बनकर के जन्म लेते हैं, अनजान में भी एक एकादशी की इतनी महिमा है। इसलिए आप लोग जरूर ये एकादशी 15 दिन में एक बार, ये एकादशी 15 दिन में एक एकादशी आती है। इसलिए लेकिन कुछ कुछ लोगों का मन में धारणा, क्या धारणा, भले इसको तो विधवा लोग करते हैं और जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए ना वही करते हैं, नहीं ऐसे नहीं। अब लोग भागवत कथा में आता है, अम्बरीश महाराज मथुरा में अपना रानी को लेकर के एक साल तक उन्होंने एकादशी व्रत की, जिसमें दुर्वासा ऋषि आए थे। भागवत में आता है कुंती और श्री जसोदा और नंदबा बा व्रत रखते थे। एक एकादशी आता है, अब पता होगा सबसे बड़ी एकादशी भौमी एकादशी, एक पांडवा निर्जला एकादशी आते हैं। पांडव लोग कुंती और अपना द्रौपदी को साथ में व्रत रखते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा जो व्रत को रखती थी, जिसका फल में भगवान कृष्ण स्वयं करते हुए। ऐसे नहीं एकादशी 8 साल से 80 साल तक कर सकते हो, लेकिन और एक ब्रह्म है उसका उद्यापन करना पड़ता है, नहीं हम लोग कभी उद्यापन नहीं करते हैं। वैष्णव लोग एकादशी माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी है, कभी हम उसको उद्यापन नहीं करते एकादशी को है। हाँ देखो ये जो एकादशी है ये एक साइंस है, ये एक साइंस है। देखो इसको भी आप लोग अच्छे तरह से समझ लो, बोले एकादशी में क्या साइंस है, अगर आप लोग समझोगे ना दूसरे को भी समझा सकते हो। देखो ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप कंटिन्यू चलाओ देखना वो मशीन ज्यादा दिन नहीं चले है, ज्यादा दिन अगर उसे बीच बीच में थोड़ा विश्राम देकर चलाओ देखना वो मशीन ज्यादा दिन तक चलेगी है। जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी होता है कि नहीं, अभी तो सैटरडे संडे 2 दिन ही छुट्टी होता है, बोले छुट्टी क्यों होता है, 7 दिन तक बच्चे पढ़े ना बढ़िया पढ़ाई करेगा, नहीं पागल हो जाएगा। जैसे क्लास में जाते हैं 7-8 पीरियड, लेकिन बीच में खेल छुट्टी होता कि नहीं, बोले खेल छुट्टी क्यों होता है, कहते ये ब्रेन एक मशीन है, अगर बीच में थोड़ी सी रेस्ट दे दो ना फिर अच्छे तरह से ये काम करता है। इसलिए ये शरीर भी एक मशीन है, इसको कंटिन्यू नहीं चलानी चाहिए, इसको 15 दिन में कम से कम एक बार 15 दिन में इसको थोड़ी सी रेस्ट दो है, रेस्ट दो। इसलिए ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि जब तक ये शरीर सुस्त नहीं होगा भजन कैसे करोगे आप, शरीर सुस्त होगा तो भजन करोगे। हाँ और ये अच्छे तरह समझो, प्रश्न है हम एकादशी का दिन ही क्यों व्रत रखे, और भी बहुत सारे तो व्रत है ना, अब एकादशी का दिन ये व्रत का हम क्यों रखें। देखो इसमें कितना बड़ा साइंस है, आप लोग जो साइंस पढ़े होंगे देखना, ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक है, पूर्णिमा तक ये चंद्रमा बढ़ती है, इसलिए ये जो पृथ्वी का ये आकर्षण है, हाँ जिसको जिसको न्यूटन ने जो थ्योरी निकला था लॉ ऑफ ग्रेविटी निकला था है, इसलिए ये पृथ्वी का कोई भी ऊपर कोई चीज फेंकना वो नीचे आता है, क्यों ये पृथ्वी का आकर्षण है, इसलिए ये पृथ्वी ये खेचता है, किसको खेचता है बोले चंद्रमा को, और चंद्रमा भी खेचता है ये पृथ्वी, दोनों दोनों को खेचते हैं, लेकिन खेचने पर ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी इसको तो खेच नहीं सकता है, लेकिन वो पानी होता है, क्या पानी होता है तरल, इसलिए तरल होने का नाते ये चंद्रमा खेचता है ये पानी को खेचता है, है? इसलिए जो लोग समुद्र को पास में रहते हैं कहते तो उसमें क्या हाई टाइड होता है, पानी में हाई टाइड होता है, बल्कि ये हाई टाइड कब होता है देखना, ये हाई होता है एकादश से लेकर पूर्णिमा तक पानी उफनती है, क्यों चंद्रमा बढ़ती रहती है, अब पूर्णिमा को इतनी बड़ी बड़ी लहरी आती है, बोले क्यों, बोले वो खींचती है पृथ्वी को, खींचने पर प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर में, पृथ्वी तो खींच नहीं सकती, वो पानी उफरती रहती है, अब देखना पूर्णिमा के बाद में धीरे 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 पानी कम हो जाता है। कहते उसी तरह कहते जो हमारा शरीर है
वो पांच चीज से बनी हुई है। कौन बताएगा बताओ, ये शरीर पांच चीज में क्या क्या चीज में बनी हुई है? कौन बोलेगा बोलो तो, कौन कौन बोलेगा हाथ का बताओ। हाँ आप लोग कौन बता, आप बताइए पांच चीज क्या है शरीर में? हाँ इसमें ये पांच चीज है, खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित, ये पांच चीज बनी हुई। लेकिन पांच चीज में सबसे ज्यादा चीज क्या है? पानी, जल है। इसलिए जल होने का नाते आप लोग देखिएगा, एकादशी का दिन है, एकादशी का दिन ये अन्न खाने के लिए क्यों मना किया? कारण है जैसे चावल गेहूं है, ये स्पंज जैसे होता है रोटी, आप जितने खाओगे उतना पानी मांगेगा, शरीर में जितने पानी जाएगा उसको ऊपर में चंद्रमा का उतना प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिएगा जिनके घुटने में दर्द है, हाथ में कमर में दर्द, आप नजर करके देखना एकादशी का दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगी, द्वादश में और ज्यादा, पूर्णिमा में इतने दर्द होगी सो नहीं सकते। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ देखना, ज्यादा रोगी आपको देखना एकादश से पूर्णिमा तक जाते हुए, किसी शमशान घाट में देख देना एकादश से पूर्णिमा तक ज्यादा लोगों को मरते हुए देखोगे, ज्यादा खून खराब देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक। बोले क्यों? बोले इसको ऊपर चंद्रमा की प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर में, इसलिए बोले एकादशी दिन खाओ लेकिन कम से कम 12 बजे तक मत खाओ, उसके बाद में फल मूल खाओ। फल मूल खाने से वो पानी को इतना नहीं मांगता है, पानी इतना नहीं मांगता है, देखो उसमें कितने बड़ा साइंस इसके अंदर। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो विधान रखा, ये सबके सब बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, और पहले का जो साइंस है ना उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन अभी का जो साइंस है, न्यूटन सबसे बड़ा साइंटिस्ट माने जाते हैं, लेकिन अभी का साइंटिस्ट बहुत उसका फिलोसफी में गलत दिखा रहे हैं। लेकिन रामायण का कोई अक्षर बदला है? भागवत का कोई अक्षर बदली है? गीता की कोई अक्षर बदली है? नहीं बदली। क्यों? वो लोग परफेक्ट साइंटिस्ट थे वो लोग। इसलिए हमारी भक्ति ये एक साइंस, ये भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं, ठीक है ना। हम लोग एकादशी व्रत करना। और एक चीज है, कृष्ण रुक्मिणी बनाया है, बनाया और 2 मिनट है, इसलिए देखा आज लास्ट कथा है, इसलिए हाँ। और एक चीज लगनी चाहिए, क्या है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नगा उत्तरी पर। इसी विषय पर हमने बहुत कथा सुनी है। आप लोगों ने, हम लोगों ने कितना दिन कथा सुनी है? कितना दिन कथा सुनी? कथा हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुना। प्रश्न है, हम 7 ही दिन क्यों कथा सुन, क्यों ये भागवत का एक सप्ताह क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण बताए, आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कहते एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में राजा से मिलने के लिए आए। राजा बड़े राजकार्य में बिजी था। जब किसी पहरादार ने कहा कोई संत मिलने का गया है, 1 मिनट बात करना चाहते हैं, बोले भैया हम तो बहुत बिजी है। सोचा पैसा लेने के लिए आए होगा, 101 रुपया भेज दिया। बोले नहीं पैसा नहीं, हम तो 1 मिनट बात करूंगा। सोचा मन नहीं भरा होगा, 1001 रुपया भेज दिए, लिए नहीं। बोले मेरे पास में कोई समय नहीं संतों से बात करने के लिए। रानी को पास में गए, वहां पर चौकीदार थी। बोले रानी क्या है? बोले है उनको बताओ कोई साधु आपसे मिलने के लिए आए। रानी सुनते ही तो बोले अंदर में लिख देगा, बड़े भाग्य से संत दर्शन होता है। आसन देकर बैठा है, प्रणाम किया। बोले बाबा हम क्या सेवा करें? बोले महारानी आप ध्यान देकर सुना, मैं तो कोई जरूरी काम पर आया था राजा से मिलने के लिए। बोले मुझे बता दो, मैं सेवा कर दूंगी। बोले नहीं सेवा नहीं, हम ध्यान देकर सुना। बोले क्या है? बोले मैं अपना दिव्य दृष्टि से देखा है, जो राजा है ना ये 7 दिन में मरेगा। मैंने देखा राजा देश का इतना तो कम से कम कल्याण कर दूं। रानी सुनते ही अभी अभी नई शादी हुई, राजा अभी 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 से गए राज सिंहासन में, अगर बोल दे तुम्हारी पति 7 दिन में खत्म हो जाएगी, क्या अवस्था होगी? वो सुनते ही तो आधा ही उसने प्राण छोड़ दिया। बोले बाबा क्या बोल रहे हो, 7 दिन में? बोले हाँ। बोले ये सही, बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिन में मरने वाला। राजा तो बाबा इतना बोल कर चल पड़े। इतने में रानी राजा के पास में खबर पहुंचाया, अभी राजा को बुलाओ, कोई जरूरी काम है। देखो अभी संत आए थे, 1 मिनट समय नहीं हुआ, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना, सारे काम को छोड़कर भागते भागते आया। बोले ऐसे कौन सा काम पड़ गई? बोले कोई संत आपके पास में आए थे? बोले हाँ। बोले आप उनसे बात क्यों नहीं किया? बोले बीजी था। बोले महाराज वो तो बड़े जरूरी काम लेकर के आए थे। बोले क्या काम? बोले अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिनों में ये शरीर त्याग करने वाले हो। राजा तो घबरा गए। बोले बात सही, बोले बात सही उन्होंने बताई। बोले जल्दी जाओ बाबा को वापस लेकर के आओ। थोड़ी दूर गए तो बड़े आदर पूर्वक ले आए घर में। बोले बाबा आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाले,
बोले हाँ, बोले ये क्या सच है? बोले ध्रुव सत्य महाराज, इसको कोई टाल नहीं सकते हैं। बोले आप घबरा मत, आपने बहुत दान पुण्य किया इसलिए आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सारे सुख तो मिलेगी, लेकिन एक कमी वहां पर है। बोले किस चीज की? बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। बोले फिर, बोले चिंता मत करो, वहां मच्छर दान का व्यवस्था है, लेकिन एक कमी है, इसकी कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से ये मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर? बोले फिर क्या? अब जब मरोगे एक सुई और एक धागा लेकर जाओ और वो कोने को सिलाई कर दोगे, बस चैन का नींद सो गए। बोले बोले महाराज आप बता रहे हो कि सुई धागा ले जाने के लिए कैसे ले जाएंगे? प्राण छूटेगा तो यहीं पर शरीर छोड़ना पड़ेगा, कैसे सुई धागा ले जाएंगे? बोले तेरे को पता है एक सुई धागा भी साथ नहीं जाता? बोले दुनिया को पता, मेरे को क्या पता? बोले महाराज मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, जो एक साधु से मिलने के लिए आपको एक मिनट नहीं, जिस राज्य में आप भेजी है यहाँ से एक सुई धागा तक भी आपके साथ में जाने वाले नहीं। संतन ने पूछा ये बताओ जब अंतिम समय में चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने तुमने भगवान के नाम जप कर रहे हो तेरे साथ तो वही जा रहा है, और तुम जिंदगी में जो कुछ किए हो वो सब झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जा रही, इसलिए तेरे को मैं इतनी सी बात बताने के लिए मैंने आया था। बोले महाराज अभी ध्यान देकर सुनो, आप भी सुने, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया। बोले आपको मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में मर जाओ, मैंने नहीं नहीं बताया, क्या बताया था? 7 दिनों में, 3-7 ही है, दिन कभी 8 नहीं होता, रवि सोम मंगल के 7 दिन ही है, 7 दिन में बोला था ना, जब तुम मरोगे 7 दिन में एक ना एक दिन मरोगे, मैंने ये नहीं बताया था 7 दिन बाद में तुम मर जाओगे, ये नहीं बताया था, जो तुमने ये समझाया ना 2 बार जिंदा होगी, क्योंकि वो तो सोच रहा था 7 दिन में खत्म हो जाओगे, उसको 2 बार जाना आ गया। बोले महाराज एक ना एक दिन हम संसार में से जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में जितने भगवान की हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ठाकुर जी के नाम जप करेंगे, महाराज केवल वही चीज आपको साथ में जाएगी और सब चीज यही धरा रह जाएगी। उसका एकदम उनका जो ज्ञान है ना एकदम जागृत हो गया। हम मेरे तरफ में देखो, मैंने तो बहुत दिन से बहुत कुछ कथा समझा रहा हूँ। राजा को उन्होंने के माला और एक झोली पकड़वाई, बोले महाराज लो इसको लेकर के आप जब काम के लिए जाओगे पहले स्नान करके कम से कम कुछ माला करो, इसलिए हम पहले बताया था ना, मीरा कहती है ना पावे जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए मीरा कहती है ले रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, भगवान का नाम ही एक धन है, यही धनी साथ में जाती है, और जिन जिन ने ये मोती लूटे वो सब माला माल होंगे, और जो माया के जो मैंने पुजारी, देखो आप लोग बुरा मत मान, हम किसको बोलते ना थोड़ा हरि नाम करो भगवान का, बोले समय कहाँ है, बच्चों के लिए पैसा कमा करके जाना है ना, बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जाना है ना, ये संत लोग का कहना है बच्चों के लिए ज्यादा पैसा कमा कर मत जाओ, मना करते। बोले क्यों? बोले बच्चा अगर होनार होगा वो कमा ही लेगा, और देखना जिसकी पिता जितनी ज्यादा पैसा कमा करके जाते बच्चा उतना नालायक और उतना गंदा रास्ता पर जाते, शराब पीना जुआ खेलना सारे गंदे काम पर, एक तो कष्ट करके पैसा कमाया, फिर उसको बाद में बच्चे सारे पैसा को गलत काम पर लगाए, उसके बाद में फिर क्या उसका पाप भी भोग, जहां भी जाओगे उसका पाप तुमको भोगना पड़ेगा, क्यों? तुमने ये पैसा छोड़ कर दिया, अब ये पैसा का कर्म फल तुम्हें भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे धन कमाओ जो कि इसी जीवन में तो उसका मालिक आप ही बनोगे, और अगली जीवन में मीरा क्या कहती है, दीन दीन बरत सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मैंने कल आपको बताया था महाप्रभु को जब निमंत्रण दिया हमारे घर में खाना, महाप्रभु क्या बताया था किसको घर में खाना खाएंगे, सब भूल गए सबके सब, जो लखपति बनेगा उसको घर में खाना खाऊंगा, भक्त लोग तो दुखी हो गए, जिंदगी में लखपति बन ही नहीं सकते हैं, हमारे घर में 100 रुपया तक कभी नहीं, 550 साल पहले 1 लाख स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो, महाप्रभु क्या बताया असली लखपति कौन है, जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। इसलिए मैंने आपको समझाया था और एक बार समझा देता हूँ, देखो ये माला है, हाँ ये अंतिम दिन है, ये माला है, पहले आता था ना करोड़पति कौन बनेगा, आता था भगवान कहते लखपति कौन बनेगा,
देखो ये एक साथ आठ मोती इसके अंदर में है, जैसे हम लोग ने हरे कृष्णा अब बोलो मेरे साथ में लगभग बना दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोल करके उसमें एक मोती सरकाते हैं, हाँ फिर दो बार बोल करके दो मोती, हाँ देखो कैसे ला कैसे उठाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार नाम किया तो 16 बार हो गया, इसमें 108 मोती है। जब ये माला जप करते करते मोटे तरफ से करते करते जब ये खत्म हो जाता है छोटे में, फिर उसको हम पार नहीं करते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, भगवान को बीच में रख करके रास कर रहे हैं, यहाँ जब खत्म होता फिर इसको हम घुमा लेते हैं, फिर छोटे तरफ से फिर करते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब तो हो जाता है 25,000, अगर 64 माला कर लिया तो कितना हो जाएगा, 1,00,000। इसलिए महाप्रभु कहते हैं 1,00,000 नाम नहीं की आज तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया बैंक में भीख डिपोजिट हो गई, ये भगवान खुद कहते हैं, हैं? फिर कितना बढ़ेगा, बोले दिन दिन बढ़त सवाय, एक दिन में 1,25,000, चार दिन में 2,00,000, बोले ये धन इतने इसकी महिमा, और यही धन ही हमारे साथ में अंतिम समय पर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जिनकी इच्छा होगी, जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, कथा के बाद में अगर आप मेरे को मांगोगे हम माला जप करना चाहता हूँ, आपको एक दिन माला देना, देखो जो गले में ना हम तुलसी कंठी पहनते हैं, लेकिन ये तुलसी कंठी हम सबको नहीं देते हैं, जो एकदम प्योर वेजिटेरियन बनता है, यहाँ तक भी जो प्याज लहसुन तक भी छोड़ देते हैं, तभी हम उसको तुलसी कंठी देते हैं, ये तुलसी कंठी पहनने का भी बड़ा महत्व है, बड़ा पाप पुण्य है, कभी कंठे में क्यों धारण करते हैं, देखो इसका कारण क्या। आप इस्कॉन का जो महाराज थे जो अमेरिका में गए, तो अमेरिका में बोले भैया गले में कंठी पहनो, वो तो अंग्रेजी, हम तो भारत के लोग हैं, बोले ये लकड़ी क्यों पहनेगी, हमारे पास में सोने चांदी पहनने के लिए लकड़ी क्यों पहनेगी, तो उन्होंने हमारे वेदों से श्लोक को उठा उठा करके बताया, देखो ये तुलसी में कितने शक्ति, अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, कहते ये हिंदू लोग एक पेड़ पूजा क्यों करते, पेड़ को परिक्रमा करते पूजा करते आरती करते, पेड़ पूजा क्यों करते, उन्होंने रिसर्च करके देखा पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं मेडिसिन हो तो तुलसी वृक्ष, आप लोग एक दुकान से एक दवा ढूंढना तुलसी पावर, इतना बड़ा आपको बोतल मिलेगा, आप पेपर को खोल कर देखना, केवल दो तुलसी पत्ता जो रोज खाते हैं कभी टीबी कैंसर उसको नहीं होता, आप पेपर को पढ़ करके देखना 200 बीमारी का नाम लिखी हुई, आंख के लिए, कान के लिए, पैर के लिए, स्किन के लिए, ऐसे कोई बीमारी नहीं जो उसमें मेडिसिन उसमें नहीं, आप देखना बुखार होने पर कहते ना उसको उबाल करके पानी पिया करो, कहते ना डॉक्टर लोग, इतने शक्ति तुलसी में, जैसे गले में हमने धारण कर लिया हैं, अभी प्रश्न है गले में क्यों धारण करते हो, देखो इसमें क्या साइंस है, अब तो हिंदू लोग है, देखना तुलसी को साथ में सालग्राम की शादी होती है, तुलसी लक्ष्मी है, गले में कंठी मतलब माँ लक्ष्मी आ गई, पहला कारण। दूसरा कारण हम कहते ना वृंदावन चलो बांके भी हरी, बोले क्यों, वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन वही ठाकुर, गले में कंठी मतलब लक्ष्मी नारायण आ गई। प्रश्न है हम यहाँ क्यों पहनते, कितना बड़ा साइंस देखो, बोले शरीर का सबसे जो कोमल अंग ये कंठ है, किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा कुछ मत करो, बस गला दबा दो खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए अंदर में जब गंदी चीज घुसता है इधर से, बच्चों को कवच कहाँ पहना दो, ताबीज कहाँ पहना दो, गले में, क्रिश्चियन देखो मुसलमान देखो गले में कुछ ना कुछ पहनते हैं, और ये तुलसी में सारे मेडिसिन लक्ष्मी नारायण है, इसके अंदर में कोई भी गंदी चीज आएगा ना आपका शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए आप इसको गले में धारण करते हैं। जैसे ठाकुर को जो कुछ भोग लगाओ अगर तुलसी पत्ता मत दो, ठाकुर जी कुछ चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए गले में जब तक तुलसी कंठी नहीं, शास्त्र कहता है आप ठाकुर जी के लिए कोई खाना नहीं बना सकते, क्योंकि ये शरीर अपवित्र है, अंदर में टाटी पेशाब और कुछ नहीं अंदर में, हाँ आप देखो सबसे बढ़िया चीज बताए, जब महाराज दूतों को बोले, बोले देखो जो भक्ति करते हैं ना उनको मेरे पास में मत लाया करो, तो उन्होंने पूछे भैया पता कैसे चलेगा, किसी शरीर में तो लिखा हुआ होता ही नहीं, करता नहीं करता, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, जो पालतू कुत्ते होते हैं देखना उनको गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है ना, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते, और जो फालतू कुत्ते होते हैं बिने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ता है, इसलिए गले में तुलसी कंठी मतलब हम किसके पालतू हो गए,
भागवत जी के पालते हैं, इसलिए जमदूत आंख उठाकर नहीं देखेंगे कि जम महाराज खुद कहते हैं, मतलब इसमें इतने आप यहाँ पर इस्कॉन होगा ना, देखना हम तो हिंदू है, देखना अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी के लोग, हम तो इतने पतले पतले कंठी, वो तो इतने मोटे मोटे कंठी गला में पहनते हैं, वो हम जैसे हम तो विश्वास करते ना हम हिंदू है, वो लोग क्रिश्चियन मुसलमान होकर के इतने मोटे मोटे गले में कंठी धारण, तिलक कंठी तिलक, हाँ गले में माला, ये सब चीज को धारण करते हैं, ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हाँ अगर जिसकी इच्छा होगी जो प्याज उसमें एकदम छोड़ दोगे तब भी नहीं खाओगे, फिर तो आप लास्ट में अगर बोलोगे हम तुलसी माला लेकर के आए हैं, जो प्याज लहसुन छोड़ोगे उसका हम तुलसी माला देंगे जप करने के लिए और उनको ये करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने एक एक माला जरूर जप करने का माला जरूर लेकर के जाना, जो प्याज लहसुन खा भी रहे हो उनको भी आपको माला देंगे, कोई चिंता नहीं, लेकिन आपको तुलसी माला नहीं, आपको हम नीम माला देंगे, उसमें नाम जप करते रहना, धीरे 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 सारी चीज खत्म हो जाएगी, जब पूरा पवित्र हो जाओगे, मैं बीच बीच में यहाँ आते रहूंगा, आता रहता हूँ, आस पास में कथा करता हूँ, आएगा तो फिर अच्छे बनोगे तो फिर आपको हम तुलसी माला देकर जाएंगे, ठीक है। हाँ कृष्ण रुक्मणी ले आओ, ले आओ, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। हाँ देखो, हाँ और एक मिनट सुन लो, इधर आ जाओ पिताजी, इधर आओ, आपका सारे भाइयों को बुला लो, तीनों भाइयों को थोड़ा आशीर्वाद दे देते, इधर आ जाओ, पत्नी का है आपकी, हाँ देखो, हाँ नाम तो प्रभु जी का अशोक, आपका नाम क्या, मुकलेश है, इन्होंने अपना घर में 7 दिन तक ये भागवत कथा पाए, और आप लोगों ने देखा है इन लोगों ने, अब बहुओं को भी बुला दो, थोड़ी सी आशीर्वाद दे देते, पत्नियों को बुला दो, उन्होंने बड़ी सेवा की है, अब लोग बैठा 2 मिनट बैठ जाओ, अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे, फिर हवन करके सब प्रसाद बांटे जाने, सब बहुओं को बुला दो, थोड़ा आशीर्वाद दे देते, सारे बहुओं को बुला लो, तीन बहु है ना, उनके तीन बहु है, सारे बहुओं को हरे कृष्ण हरि बोल।